ओके तो या आप लोग को मेरी स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? ओके देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप सबको मैं एक चीज बता रहा हूँ अपने एंड से, मेरा क्राइटेरिया ना कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं यार आपकी कोई बहुत क्रेजी नॉलेज होनी चाहिए तो आप यहाँ, ऐसा नहीं है। बॉस ये तो 3 PM है, ये तो है ऑन बोर्ड ना, उसके अलावा और भी मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जैसे कि अवैस हो गए, सही है, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे आप भी हेल्प करना चाह रहे हो, करो उस पर। इन तीनों के साथ मेरे कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भारी नहीं, बहुत ही माइनर सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इन लोगों को दूंगा कि यार ये चीजें प्लीज देख लो साथ मिलके, ये चीज मैनेज कर लो, मैं भी कर रहा हूँ। हेलो अब आ रही है? अभी भी कर रही है लैग? एक मिनट रुकिएगा, अभी अभी सही नहीं हुई अभी तक। हेलो हेलो सॉरी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके तो मैं शेयर कर देता हूँ फिर से स्क्रीन को। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि जो भी PMs हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे उनका मेन फोकस मेरे साथ मिलकर यही होगा कि हम लोग बैचेस में स्टूडेंट्स को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, हेल्प कर यार बोलो अपना काम, मतलब मैं नॉक करूंगा ऑन योर डोर, ये मैं अब डेली बेसिस पे मैं अपने सेशन का वेट नहीं करूंगा आप लोग के पास हर। हेलो आई होप अभी कोई इशू ना आ रहा हो चैट का। अच्छा जरा एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं चेक करके आता हूँ, होल्ड कीजिएगा जरा। जी अब सही हुई है मेरी आवाज? अच्छा आई होप आप मसला ना हो। खैर तो आई होप आप लोग ये सब भी समझ गए हो कि मैंने ये PM वाला चक्कर इसलिए नहीं करा कि किसी को एज मिले। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी लर्निंग एक्स्ट्रा ज्यादा होती है, लेकिन मैं अपना मकसद, मेरा मकसद ये है कि आप लोग की सक्सेस स्टोरीज हो इसी के पास, ठीक है? मतलब आप को
काम करा हुआ होगा 100% कहीं का भी होता है 100% पूरा ग्रुप जो है ना सक्सेसफुल हो जाए। मैंने तभी इस चीज को तोड़ा था, मैंने बोला था कि कोशिश ये करो प्रायोरिटी लिस्ट में, अब तुम लोग को अब अपनी टीम के साथ बात करके हर एक दो दिन बाद कुछ चीजें मैं तुम लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और मैं प्रोबेबली इन पीएम से ही अनाउंसमेंट्स करवा रहूंगा, ठीक है। तो अब ये जो है फिर से इशू हो गया, अभी भी इशू है, अगर अभी भी हो तो मुझे बता देना, आई विल चेंज माय इंटरनेट अगेन।
जी मैंने अपना राउटर रिस्टार्ट करा, जरा एक मिनट रुकिएगा, मुझे पता भी नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये। पता नहीं क्या मसला है ये, कभी पूरे दिन में नहीं होता है ये। सेशन स्टार्ट करो और अपने पंगे दिखाना शुरू कर देता है ये। मेरे पास 3 इंटरनेट हैं घर पे, बल्कि इनफैक्ट 4 हैं। मैंने अभी 2 ट्राई कर लिए, मैंने अभी एक का राउटर स्विच स्टार्ट करा है। स्टॉर्म फाइबर है, ड्रीम नेट कनेक्ट क्या चक्कर है पता नहीं, फिर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह अब मसला ना आए। मैं आज सेशन इससे रिलेटेड करूँगा और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ जो लोग प्रॉपरली इस क्लास को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं, ओ गॉड, एंड व्हाट अबाउट नाउ? गाइस, अच्छा मैंने चैट खोल के रखी हुई है। फिर से कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? सब कुछ सेट है? ठीक है, ठीक है, चलो सही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। खैर खैर, सब कुछ खेल हुआ हुआ यार, मैं क्या किल करूं? बैक एंड पे क्या रह गया किल करने को? सब कुछ ही बंद है खैर तो ठीक है, बहरहाल इस पे आ जाते हैं। मैं आज जरा ब्रीफली इस बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँगा कि मैं चाहता हूँ ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बस। हेलो, सॉरी गाइस, मैं मुझे जरा बात करने दो ईसी की टीम से। मुझे जरा बात करने दो ईसी की टीम से। अगर ये कल सुबह दोपहर में अरेंज हो जाता है तो तुम लोग कर लो, बिकॉज मैं तुम लोग को ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और ये रिदम टूट रही है इसमें बार बार। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, सही है? स्क्रीन शेयरिंग बंद करके मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है? बिकॉज दिस इज नॉट हेल्पिंग। ठीक है, 2 मिनट जरा, मैं मतलब स्क्रीन शेयर अभी बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, मैं अपने इन स्लाइड्स की कॉपी बना रहा हूँ, ठीक है? इंटायर प्रेजेंटेशन। और ये मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें सबसे एंड पे आ जाओ, मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, एक मिनट रुको। कह रहा हूं प्रोवाइड, एक मिनट, इस लिंक पे सबसे एंड पे आ जाओ, सबसे एंड पे, वहां पे जहां पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, ये अमेंड होगा, ये चेंज होगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जैसा तुम लोग अभी देख रहे हो, इसमें चीजें चेंजेस आएंगी, मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया है। इट टुक मी अ वाइल टू गेट दिस डन, बट
बिकॉज आई हैड टू थिंक थ्रू कि भाई क्या क्या चीजें एग्जैक्टली तुम लोग को करनी पड़ेंगी. देखो जो निश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च या की रिसर्च लिखा हुआ है, कीवर्ड रिसर्च वाले जो फेजेस हैं पहले दो, वहां तक तुम लोग को जो है आ जाना है. ठीक है, ये वो मेन एरियाज हैं जो तुम लोग के अगर नहीं हुए कंप्लीट कोई मसला नहीं है, लेकिन अगले सेशन से पहले तक तुम लोग के कंप्लीट हो जाने चाहिए. निश रिसर्च के ऊपर मैं दो अलग अलग सेशंस में बात कर चुका हूं, तो आई होप अभी तक तुम लोग सेलेक्ट कर लियो. एट द सेम टाइम निश रिसर्च से रिलेटेड मैं तुम लोग को एक चीज और बता देता हूँ. मैं तुम लोग को एक वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक नहीं दो, एक्चुअली तीन चार वेबसाइट्स हैं, ताकि तुम लोग की निश सिलेक्शन ज्यादा आराम से हो जाए. चैट पे तुम लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, रुको. अच्छा पहले मैं तुम लोग को लेवल्स बता देता हूँ. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का हाईएस्ट लेवल है अमेजॉन एसोसिएट्स, जो आप लोग की अपनी वेबसाइट जब बन जाएगी. फिर उसके नीचे उसकी फैमिली में चार आ रहे हैं, जो कि निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट एंड बिल्डिंग वेबसाइट है. बिल्डिंग वेबसाइट ऑब्वियसली सबसे आखिरी वाला है, जिसमें हम लोग कुछ चीजें कवर करेंगे और फिर वो हमारा वो वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा. अभी मेन कंटेंट की तरफ हम लोग ने बात करी इट कंटेंट के ऊपर, लेकिन जो ज्यादा डिटेल्ड बात है वो अभी भी कुछ रह गई है, जो कि हम इस सेशन में नहीं कर रहे होंगे. आज मुझे सेशन में तुम लोग को जो चीज डिलीवर करनी है वो ये है कि तुम लोग को निश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च पूरी कर लेनी है, जो पहले दो हिस्से हैं. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम? डिस्कवर एटलीस्ट 15 to 20 निश आइडियाज. ये तुम लोग को डिसाइड 15-20 करो या 10-15 करो, दैट्स अप टू यू. लेकिन 10 कर लो, 15 कर लो. बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए जिन्होंने मुझे अपने एरियाज बताए जहाँ पर उन्होंने काम करना है. वो एरियाज सही थे, बहुत अच्छे थे काम करने के लिए. लेकिन जब मैंने उस वक्त ही बैठ के, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत बार आप लोग मुझे मैसेज करते हो, मैं फिर लेट रिप्लाई कर रहा होता हूँ. उसका रीजन ये भी होता है कि मैं एट अ टाइम चार स्टूडेंट्स के उनका ही जो करा हुआ होमवर्क होता है उसके ऊपर रिसर्च करके चेक कर रहा होता हूँ मैं AHrefs पे, कि कौन कहाँ तक पहुंच गया है और मुझे अभी उसको कहाँ से हेल्प करनी है. जरा एक सेकेंड मैं चैट विंडो खोल लूँ ताकि आप लोग की बात भी सुनता रहूँ. ठीक है, अभी फिर से लैग हुई थी मेरी आवाज. ठीक है, तो अब क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पहले दो एरियाज प्लीज कंप्लीट कर लो. और जो लिंक्स निश के लिए मैं एक दो और प्रोवाइड करने वाला हूं वो देख लो. ठीक है, एक मिनट रुकना, ये लिंक ले लो. ठीक है, एक ये लिंक चेक कर लो तुम लोग, nishhacks.com/ जो भी है, इससे तुम लोग को बहुत सारे निश आइडियाज मिल जाएंगे. ये मैंने अपने WBS में सारे लिंक्स डाले हुए हैं बाय द वे. ठीक है, EN विकिपीडिया ये चेक कर लो, दे रहा हूं. मेरे को क्यों नहीं आ रहा भाई? ओ आई एम सॉरी, गलत लिंक प्रोवाइड करा मैंने आप लोगों को. फिर से चेक करें आप लोग, ये है. दूसरी जो साइट है वो ये है, ये भी चेक कर लो. ठीक है, तो ये और उसके अलावा कुछ और भी हैं लिंक्स मेरे पास, अगर तुम लोग उनको यूज कर लेते हो. और अब तुम लोग को मैंने स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी हैं, तो अभी तुम लोग को सिर्फ इतना करना है जो मैं समझा रहा हूं, कि तुम लोग को निश अपनी 10 से 15 डिसाइड करनी है. 10 से 15 भले तुम लोग बहुत डिटेल रिसर्च करके नहीं करो, लेकिन कर लो इनको आइडियाज लेके. सही है, और फिर उसमें से फिर तुम लोग को नेक्स्ट फेज जो WBS का, उसमें तुम लोग को फाइनलाइज करना है कि तुम लोग कौन सी 5 या 7 ऐसी निशेज हैं उन 10, 15, 20 में से जो तुम लोग को लगती है कि हाँ यार ये ऐसी है जहां पे मैं काम कर सकता हूँ. फिर उनके ऊपर उनको उन 5-7 को शॉर्टलिस्ट करने के लिए तुम लोग को गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करना है, जो मैंने बताया था कि 50 से 100 तुम लोग के एटलीस्ट पेजेस हो रहे हो उस उन निश आइडियाज मतलब तुम लोग के कंटेंट आइडियाज जनरेट हो सकते हो. एटलीस्ट 100 पेजेस उन निशेस के ऊपर बन सकते हो. AHrefs यूज करना है और SEMrush यूज करना है. SEMrush और AHrefs के लिए मैं तुम लोग को एक बहुत आसान चीज बता चुका हूँ. कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर हमारा जो है ना SERDB डॉट
ORG पे हमारा अकाउंट नहीं बन रहा, कोई और साइट कर ले, SEO ग्रुप बाय टूल्स लिखो गूगल पे, तो तुम लोग के पास ग्रुप बाय SEO टूल्स .org ये भी आ जाएगा। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, लिंक पेस्ट कर रहा हूँ मैं तुम लोग के पास, मतलब ये कीवर्ड है ग्रुप बाय टूल्स या SEO ग्रुप बाय टूल्स, सही है, बहुत सारे तुम लोग के पास आ जाएंगे, वहां से तुम लोग को आराम से Ahrefs और SEM रश का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इस बात का प्लीज तुम लोग ने खास ख्याल रखना है। तुम लोग को फिर जब ये निश वाला एरिया हो जाए, मैंने इसमें आइडियली लिखा हुआ है कि 2 से 3 दिन लगेंगे इसको करने में, तुम लोग ले लो 2 से 3 दिन, लेकिन तुम लोग इस कोशिश करो कि 1 से 2 दिन से ज्यादा मत लो, सही है, क्यों? क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हम लोग पहले ही काफी तवील बात कर चुके हैं, एक चीज। दूसरी चीज, कीवर्ड रिसर्च, ड्यूरेशन कीवर्ड रिसर्च की आपकी 4 से 7 दिन होंगी, आप लोग इसके ऊपर अच्छे से कर लो। मैं असल में आज आप लोग को कुछ चीजें जरूर दिखाना चाह रहा था, क्योंकि मैं तुम लोग का बेसिकली ये जो दिखाना चाह रहा था ये वो है जो तुम लोग इस अपकमिंग जो स्टार्टिंग वीक है इसमें तुम लोग वो चीजें अकॉम्प्लिश करके दे रहे होगे मुझे, जैसे जैसे जिस जिसका काम होता जाएगा। और मैं तुम लोग को ग्रुप पे बता दूंगा, हमारे EC के जो पर्सनल ग्रुप है, कि किसको तुम लोग ने काम देना है, और मैं ग्रुप्स डिवाइड कर दूंगा, फिर मैं उन लोगों से बैठ के आराम से सुकून से बात कर लूंगा कि क्या सिनेरियो बैठा है। एक तो चीज ये हो गई, 1 मिनट रुकना। SEM रश इज पेड, बट SEO ग्रुप बाय से जब आप करते हो, इस तरह के कोई टूल्स लेते हो, तो वो पेड ही होता है टूल जो कि आपको ग्रुप बाय में मिलता है। ठीक है, Ahrefs से हो जाएगा बाय द वे, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कुछ लोग SEM रश यूज करना चाहे कर ले, लेकिन Ahrefs से काम हो जाएगा, चल जाएगा आप लोग का। ठीक है, अच्छा, नीचे मैंने जो निश रिसर्चर्स में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि प्लीज मेक श्योर कि आप जो भी निश सेलेक्ट करो उसमें एटलीस्ट 100 पेजेस कंप्लीट हो रहे हो। अगर आप मेरी लास्ट आप लोग मेरा लास्ट लेक्चर देखेंगे तो मैंने आप लोगों को उसका तरीका बता दिया था कि कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। और आपका जो डॉलर्स में, आई मीन ऑब्वियसली आपका जो $500 का जो एम है उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए हो सकता है आपको एक साइट खोलनी पड़े, और हो सकता है आपको 3 साइट्स खोलनी पड़े। उसके लिए मैंने आप लोग को एक कैलकुलेटर प्रोवाइड करा था, उस कैलकुलेटर में मैंने कुछ चीजें सेम रखी हुई थी। मैंने बोला हुआ था कि अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कन्वर्जन रेट है, क्लिक थ्रू रेट है, वो 10% रखना मैक्सिमम, 8 से 10% रखना मैक्सिमम। और अमेजोन का जो तुम लोग को अज्यूम करनी है कन्वर्जन रेट, वो है 2%। इन चीजों को तुम यही रखोगे, और फिर तुम लोग देखोगे सर्च वॉल्यूम या टोटल ट्रैफिक जो तुम लोग की साइट पे आ रहा है वो तुम लोग को कितना पैसा बना के देगा तुम लोग की उस पर्टिकुलर निश में जो तुम लोग ने सेलेक्ट करी हुई है। अगर तुम लोग एक जनरलाइज करना चाह रहे हो सिचुएशन को, तो मेरा सजेशन ये है कि तुम लोग 5% रखो। 5% अपने दिमाग में एज्यूम कर लो कि मेरी 5% जो है वो रिटर्न मिलेगा मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स बिकेंगे उसमें से 5% मुझे रिटर्न आएगा। वो एक मिडिल मिडिल लाइन हो जाएगी 1% से लेके 10% तक की, तो तुम लोग के पास एक सरसरी सा एक एज्यूम्ड वो आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये मत सोचना कि मैं सबसे हाईएस्ट कमीशन रेट वाला चूज करूंगा, कोई हर्ज नहीं है, अनलेस के तुम्हें लगता है कि तुम लोग वाकई मतलब उस तरफ जाना चाहते हो, कोई हर्ज नहीं जाने में, मैं ऐसे बता रहा हूँ। लोग काफी बार ये सोचेंगे नहीं यार फर्नीचर वाला चूज करो, उसमें 10% रिटर्न मिल रहा है, बस वही चूज करो। वो जो 10% रिटर्न मिल रहा है फर्नीचर में, ये भी समझने की कोशिश करो, आप लोग की तरह बहुत सारे और लोग भी यही सोच के जाएंगे, तो आपको लोग फिर सैचुरेशन भी मिलेगी। मैं मना नहीं कर रहा कैसे उस तरफ जाने के लिए, मैं सिर्फ आप लोग को बता रहा हूँ कि ये दिमाग में नहीं रखना कि वहां पे 10% है, लोग $500, $700, $300 वो 2.5% के कमीशन रेट के साथ भी कर लेते हैं अचीव। फिर निश कीवर्ड रिसर्च का आखिरी फेज जो है वो डिटरमिन परचेस इंटेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इसमें तुम लोग को करना क्या है, लिस्ट देम डाउन इन अ न्यू शीट। बेसिकली इसके 3 फेजेस हैं, डंप ऑल द कीवर्ड्स इन वन प्लेस, यूज Ahrefs कीवर्ड एंड प्लानर कीवर्ड प्लानर सॉरी Ahrefs कीवर्ड प्लानर एंड SEMrush टू हंट डाउन ऑल द कीवर्ड्स इन वन प्लेस।
इसका सेकंड फेस है कंपेटिटर एनालिसिस, लिस्ट डाउन ऑल योर कंपेटिटर्स इन वन एक्सेल फाइल हु रैंक हाईएस्ट ऑन हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स, जो तुम लोग के कीवर्ड्स हैं, जो बहुत काम के कीवर्ड्स हैं वो, या अननेसेसरी कीवर्ड्स भी हो, तुम लोग को सारे कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स की एक कॉम्पिटिटर की एक फाइल बनानी है, तुम लोग को अपने टॉप 5 to 10 कॉम्पिटिटर्स डालने हैं और उसमें उनके सारे कीवर्ड्स रखने हैं। ये सारे टेम्पलेट्स भी मैं तुम लोग को विद टाइम अप रोज रोज बेसिस पे अब मैं तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा और तुम लोग को करते जाना है। पहले तुम लोग अपना निश रिसर्च वाला काम पूरा कर लो जो अभी मैंने तुम लोग को बताया है, क्योंकि उसके लिए कोई शीट की जरूरत नहीं है। थर्ड फेज बता रहा है आपको डिटरमिन परचेस इंटेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इस फेज में आप लोग को लिस्ट देम डाउन इन अ न्यू शीट, मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स एज वेल। ठीक है, तो तुम लोग को फिर आखिरी फेज ये करना होगा और फिर तुम लोग का निश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग फिर फाइनली और सिर्फ कॉन्टेंट की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे तुम लोग जो है अगर राइटर्स चाह रहे हो तो राइटर्स हंटिंग भी कर दोगे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जितने भी रेट्स पे तुम लोग को फाइवर पे मिल रहा है, अगर तुम लोग पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे राइटर्स भी हैं, अगर तुम लोग उनसे डायरेक्टली बात करो तो तुम लोगों को बहुत अमेजिंग, बहुत जबरदस्त राइटर्स बहुत ही कम प्राइस पे यहाँ से भी मिल जाएंगे। यहाँ इट्स अ गोल्ड माइन पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत टैलेंट भरा हुआ है, यहाँ से भी तुम लोग को बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं अब स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ कुछ चीजें दिखाने के लिए कॉम्पेटिटर से रिलेटेड। ठीक है, और मैंने तुम लोग को बता दिया था कि ये सेशन मैं लंबा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे इस सेशन में तुम लोग के लिए फोकस करना है कि तुम लोग अपने नेक्स्ट सेशन से पहले यू कैन बाय इनफ टाइम टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स सो दैट वी कैन मूव ऑन, बिकॉज इट वुड बी पॉइंटलेस जस्ट टू टीच यू गाइज ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड गेट नथिंग डन इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग What to buy? I'm sorry. तुम लोग अपने PMs को report कर देना, मैं तुम लोग को खुद list बना दूंगा और बता दूंगा कि who is gonna report whom. Yeah. ठीक है, ये देख लेना work breakdown structure, go through it just once. Building site अभी complete नहीं हुआ है, ये हो जाएगा, इसका कोई issue नहीं है। अभी हम लोग फिलहाल इससे थोड़े दूर हैं। Content तक check कर लो चीजें, देख लो आगे way forward क्या होगा। जब वेबसाइट बिल्ड करने की कहानी आएगी तब तुम लोग अपने जो है ना टेम्पलेट्स खरीद लेना, होस्टिंग खरीद लेना, अपनी डोमेन रजिस्ट्रेशन करवा लेना, जिससे करा लिए कोई हर्ज नहीं है। होस्टिंग तो रहेगी, डोमेन वैसे भी 1,000, 2,000, 2,500 रुपए का आ जाता है मैक्सिमम, सही है, तो वो उस वक्त ले लेना अगर तुम लोग को समझ आता है। तो या मैं भी कह रहा हूं। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, अब मेरी आवाज अटकना शुरू हो जाए, सही है, आई होप ना हो। ठीक, ओके, तो अब कॉम्पिटिटर रिसर्च से रिलेटेड मैं कुछ बस तुम लोग को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जाके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, किसी की, मेरे पास ऐसी कोई, मैं सच बता रहा हूं, मैं किसी का आइडिया शेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं एक एग्जाम्पल यहाँ पे इस वक्त। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट्स सपोज मैंने सर्च करा बेस्ट कैट कॉलर्स, ठीक है, petlifetoday.com का यहाँ पे आर्टिकल आ गया, thespurspets.com का आ गया। ठीक है, अब ये मेरा एक काफी मेजर कीवर्ड है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। हेलो, मेरा लैग हो रहा है? ओके, यहां पे किसी ने लिखा था तो मुझे लगा, बहरहाल तो अब तुम्हें क्या करना है अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट जानने के लिए, तुम लोग को यहां से बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इससे थोड़ा आसान तरीका बता देता हूं ताकि तुम लोग को आसानी हो जाए जो कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट बनानी है तुम लोग को। मैंने तुम लोग को ये पेट बेस्ट कैट कॉलर्स के नाम से, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कीवर्ड है, एनोटेशंस फिर ऑफ करनी पड़ेंगी, पता नहीं कौन है जिसको शौक है ये करने का।
और ये जिसने भी किया है वो हटा भी दे भाई, मैंने ऑफ कर दिया लेकिन ये हट नहीं रहा मेरे सामने से। इरेजर कहाँ है भाई? इरेजर भी है यहाँ पे? कहाँ पर है? ओके ठीक है, थैंक यू, मुझे पता नहीं था। ओके तो कमाल है यहाँ पे सारे। अच्छी, मुझे तो हैरानी होती है कि माशाल्लाह सब इतने जबरदस्त लोग हैं यहाँ पे, इतने रैशनल और मिच्योर लोग हैं, और कोई ये करता है तो मतलब मुझे हैरत होती है कि यार वाह भाई वाह, मतलब ऐसा भी चलो खैर, बेस्ट कैट कॉलर्स है, बेस्ट कैट कॉलर्स जो हो गए आपने वो कॉपी करा, और यहाँ पर हम आए। और लेट्स सपोज, मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे बेस्ट कैट कॉलर्स कर डाल दिया। अच्छा एक चीज पहले मैं आप लोग को बता दूं, टेक्निकली वैसे तो ये एक परचेस इंटेंट कीवर्ड है, सही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है परचेस इंटेंट के लिहाज से। लेकिन अगर मैं आप लोग को एक बात कह देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, आपका जाहिर सी बात है जो ड्रीम आपका होगा कि आप कैट कॉलर्स के ऊपर वो करो, रैंक कर जाओ, तो अगर मैं कैट कॉलर्स के ऊपर जाऊंगा तो आप इस पे एक ह्यूज कंपटीशन देखेंगे, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर आपको रैंक करना बहुत मुश्किल है, तो दिस इज हाउ इट गोज। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो दिस इज हाउ इट गोज। सबसे मुश्किल आपका रैंक करना किस पे होगा? कैट के ऊपर, ठीक है, बिकॉज इस पे कितने लोग हैं, सबसे जनरल कीवर्ड है, कीवर्ड इस पे डिफिकल्टी चेक करें 76 है। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस इज इम्पॉसिबल, बट इफ ऑब्वियसली इफ यू वर्किंग फॉर लाइक 5 to 6 years, 7 years, तो आप रैंक कर जाओगे उसके ऊपर, सही है। इसी तरह एक मिनट रुकिएगा, ठीक। और अब हम ये बात कर लें कि हम एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा आई होप यहां से यूएसए सेलेक्ट हुआ वो, या ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं। कैट कॉलर्स, हमने कैट कॉलर्स लिखा और हमारे पास यहां पे कीवर्ड डिफिकल्टी आ गई, ठीक है। कंपैरेटिवली ये एक बहुत आसान कीवर्ड है, और अगर हम बेस्ट कैट कॉलर्स के ऊपर आ जाएंगे, जैसे जैसे आप कीवर्ड इंक्रीज करते रहेंगे ना, वैसे वैसे आप देखेंगे यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी कम होती रहेगी। देखें मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कैट कॉलर्स, कैट के ऊपर कहां तक जा रही थी आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी। चले मैं इसको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, ठीक है, या इट इज लॉन्ग टेल एक्चुअली, ठीक है। तो लॉन्ग टेल पे आप देखें जैसे जैसे, अब आप, मैं सिर्फ कैट कॉलर्स के ऊपर आता हूँ, कीवर्ड डेंसिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ मैं, तो आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे इस पे ज्यादा आपको कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप रिलेटिवली देखेंगे ना, अगर आप बहुत एक जेनेरिक सी वन वर्ड करेंगे और आप जैसे जैसे लॉन्ग टेल की तरफ जाते रहेंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी जो है कंपैरेटिवली वो कम होती रहेगी विद टाइम, ठीक। सो अब एक मिनट रुकिएगा, या अब मैं एक बात कहता हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने क्या करना है, आप लोग ने जाना है कि अपने कॉम्पिटिटर रिसर्च के लिए अपने सबसे ज्यादा रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर, जैसे कि बेस्ट कैट कॉलर्स हो गया, ठीक है, और आपको इनमें से वो कॉम्पिटिटर स्पेसिफिकली चूज करना है। कोशिश करें, कोशिश कीजिएगा जो अमेजोन पे चीजें बेच रहा हो, बाय ऑन अमेजोन, ठीक है। मैंने दो आप लोग के सामने खोले थे, बाय ऑन अमेजोन, दूसरा भी बाय ऑन अमेजोन लिखा हुआ है। अब
द स्पर्स पेट्स की बात कर लेता हूं मैं, और इसकी भी बात कर लेता हूं, पेट लाइफ टुडे। अच्छा, तो अब मैं इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं AHRefs पे जाऊंगा, और साइट एक्सप्लोरर में जाने के बाद मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। मेरे पास इसकी सारी डिटेल्स आ गई, एंड प्रोबेबली टू मच क्लटर फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइस हु आर नॉट, मतलब जिन्होंने आज तक पहले यूज नहीं किया, ठीक है। नाउ अगर लेफ्ट पे आप देखें जो कॉलम है पूरा, आपको नीचे जाना है और आपको डायरेक्टली जाना है कॉम्पीटिंग डोमेन्स के ऊपर। जब आप इसके ऊपर आ जाएंगे तो आपको अनगिनत काफी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनके ऊपर आप रैंक होना चाहते हो, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो, most of them if not all should be basically ranking themselves on the relevant keywords जिस पे आप भी rank करना चाह रहे हो। और इसके साथ साथ एक और जो बहुत important बात है वो ये कि ये लोग majority of them Amazon पर जो है Amazon basically Amazon associates ये लोग भी कर चला रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ने टॉप ये इधर राइट हैंड साइड पे आना है और एक्सपोर्ट कर देना है फाइल को, ठीक है। और फिर आप लोग अलग इन हर साइट को खोल भी सकते हो चेक करने के लिए कि व्हाट दे आर सेलिंग एग्जैक्टली और कैसे। ओके, सो दैट बीइंग सेड, इसके अलावा जो आपको ये करना है कि आपके जो भी टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं जो भी, ठीक है, उनके तुम लोग को ऑर्गेनिक कौन से कीवर्ड्स के ऊपर वो लोग अभी रैंक हुए हुए हैं वो निकालना है, उसके लिए भी तुम लोग को एक्सपोर्ट ही करना होगा। तो ये जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, इसमें कोई लंबी तवील ऐसी करने की जरूरत नहीं है कि यार ये तो मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी करते करते। तुम लोग को कुछ भी नहीं करना, तुम लोग ने बस एक शीट बनानी है एक्सेल के ऊपर, उसमें चार पांच तुम लोग को टैब्स डालने हर कॉम्पिटिटर के नाम से एक, और तुम लोग को ये फाइल जो ये जो है बेसिकली शीट जो है ये एक्सपोर्ट कर देनी है अपनी मेन एक्सेल फाइल के ऊपर, और फिर हम लोग उसको बैठ के सुकून से देख सकते हैं। लेकिन जस्ट मेक श्योर उस साइट को एक बार चेक कर लो जाके, मेक श्योर कि वो वाकई तुम्हारा कॉम्पिटिटर है और तुम्हारे रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करके बैठा हुआ है। इससे तुम लोग को बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा। एक तो अगर तुम लोग ये देखोगे कि कौन सी पोजीशन पे ये नंबर वन पे बैठा हुआ है, ये 80-90% इनमें से मेजॉरिटी वो होंगे कीवर्ड्स जो तुम लोग के पास, जो तुम लोग के लिए भी रेलेवेंट होंगे, ठीक है। इसमें कुछ कम्युनिटी आर्टिकल्स होंगे और कुछ एसईओ आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। ट्रैफिक तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो उनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक दे रहे हैं। दूसरी पोजीशन पे रहते हुए भी तुम लोग देख सकते हो कि ये मंथली बेसिस पे टोटल 4,300 का ट्रैफिक दे रहा है इस वेबसाइट को, thespurspets.com को, ठीक है। डॉग ट्रेनिंग एक काफी मेजर कीवर्ड है, आई थिंक सही है। बेस्ट कैट फूड यहां देख सकते हो तुम लोग, मंथली 1,400 का ट्रैफिक आ रहा है इसके पास। अब ये इमेजिन कर लो कि तुम लोग को इस चीज का इस तरह से वो अंदाजा करना होगा कि 10% ऑफ 1,500 वुड बी द ट्रैफिक जो तुम्हारे पास से अमेजोन के पास जाएगा। ये एस्टिमेटेड होता है, सही है, अमेजोन के पास जाएगा और उनमें से 2% कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। काफी इन डेप्थ कैलकुलेशन करनी होगी, तुम लोग को शीट्स में प्रोवाइड करता रहूंगा ताकि तुम लोग को क्लैरिटी विद टाइम मिलती रहे। एक तो ये हो गया कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए, एक टूल ये हो गया इटसेल्फ AHRefs। दूसरा टूल जो तुम लोग को यूज करना है वो तुम लोग को करना है सिमिलर वेब। सिमिलर वेब पे जाके तुम लोग को द स्पर्स पेट्स की मैंने बात करी थी तुम लोग से, यहाँ पे तुम लोग को ये पूरा डोमेन इनका उठाना है और यहाँ पे ऊपर जाके पेस्ट करना है, ठीक है। जब पेस्ट करोगे तो तुम लोग को अपने कॉम्पिटिटर की ट्रैफिक नजर आना शुरू हो जाएगा। घबराना मत, हो सकता है तुम लोग के पास ट्रैफिक ना नजर आ रहा हो, उसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। अगर तुम लोग को कॉम्पिटिटर का ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कि
उसका ट्रैफिक इतना अभी नहीं हुआ कि थ्रेश होल्ड कि मैं गलत खास थ्रेश पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो ट्रैफिक है ये नहीं ट्रैफिक, ये रिकरिंग ट्रैफिक है, ठीक है? ये वो ट्रैफिक बता रहा होता है जो तुम लोगों ने लास्ट सिमिलर वेब वाला स्क्रीन देख लिया था? ओके अच्छा, तो अब सुनो, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं सिमिलर वेब की स्क्रीन नहीं दिखा रहा बिकॉज आई डोंट नो क्या। खैर छोड़ो, सिमिलर वेब पे जब तुम लोग अपने कंपेटिटर का नाम लिखोगे और वो ट्रैफिक दिखाना शुरू कर देता है, फिर तुम लोग देखो सिमिलर वेब पे। मैं अब मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी तुम लोग से रिगार्डलेस की जो भी मसला हो, ठीक है? तुम लोग के पास स्क्रीन आना शुरू हो गई होगी नजर। मैं जब कंपेयर पे बताऊंगा तो कंपेयर पे ये तुम्हारे और सिमिलर कॉम्पिटिटर्स लिस्ट डाउन करना शुरू कर देगा, पेटचा, पेट हेल्पफुल, विकी हाउ डॉट पेट, पेट पॉन्ड, एनिमल्स डॉट कॉम डॉट एमई। सही है? तुम लोग इस तरह जो है ना अपने कॉम्पेटिटर्स की लिस्ट निकाल सकते हो। कॉम्पेटिटर्स की लिस्ट निकालना इम्पेरेटिव है, जरूरी है। नहीं निकालोगे, कॉम्पेटिटर एनालिसिस नहीं करोगे तो तुम लोग को काफी इश्यूज होंगे। तुम लोग को नहीं पता चलेगा बहुत सारे और कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिस पे मैं इस वक्त रैंक कर सकता हूँ, ठीक है? मैं वापस स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग बिकॉज ये बार बार इशू हो रहा है, ठीक है? तो या अगर अभी फिलहाल किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं, आई विल जस्ट टेक फ्यू क्वेश्चंस राइट नाउ बिकॉज नहीं वेट, इनफैक्ट एक सेकंड रुकिएगा, नहीं आई विल टेक क्वेश्चंस, इनफैक्ट उससे मुझे कोई इशू नहीं। मैं अब क्वेश्चंस ले रहा हूँ ऐसे भी तो। या तलाल, जी मारो, अस्सलाम एक सेकंड रुकिएगा, वालेकुम एक जी। सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाम सलाम। अच्छा जी, मेरा बस यही क्वेश्चन था कि आपने अभी वो शेड्यूल नहीं दिया आगे का, तो मैं ये समझ रहा था कि शायद खत्म हो रहा है, तो आपने वो जो है कंफर्म कर दिया कि नहीं हो रहा अभी जो है। किसके मजीद कितने सेशन हो गए हमारे? इसके एटलीस्ट 4 से 5 सेशंस, एटलीस्ट 4 से 5 सेशंस और होंगे, ठीक है? बिकॉज आई थैंक थिंक मैंने काफी डिटेल में बैठ के देखा था, तो मुझे एक सेशन में मैं थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके एसईओ कंप्लीट करवा सकता हूँ। एसईओ कंप्लीट करवाने के बाद फिर हमारा जो है कंटेंट का सेशन आएगा, ठीक है? जिसमें मैं आप लोग को जो है ना कंटेंट से रिलेटेड जो है कुछ चीजें बता रहा हूँ। हो सकता है मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मैं बात कर सकता हूँ इसी से, कि अगर बीच में कोई सेशन एक जल्दी करवा दें ताकि फिर मैं आप लोग को वेबसाइट वाले इस जगह पे लेके आ जाऊँ। सही है? लेकिन आई एम नॉट प्रॉमिसिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू रिक्वेस्ट देम। थर्ड सेशन हमारा कंफर्म वेबसाइट के ऊपर है और उस पे सिर्फ और सिर्फ फिर आप लोग अपने फाइनल स्टेप्स के ऊपर आ जाए होंगे, जहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कौन सी टेम्पलेट आप लोग को सेलेक्ट करना है और लाइव कैसे जाना है। सही। अच्छा हाँ अभी जो है, अब जो है ये निश सेलेक्ट कर लें और ये कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करके आपको शीट बना के भेजें मैं एपीएमएस आपको के थ्रू। बताता हूँ, आई विल टेल यू अगेन वन मोर टाइम, ठीक है? जी। बेसिकली अपनी निशेस सेलेक्ट कर लो तुम लोग, 15 से 20, वो मुझे मत दिखाओ भले से। मुझे चाहिए तुम लोग की 5 से 7 निशेस। उन 5 से 7 निशेस में से बैठ के मैं तुम लोग के साथ देख लूंगा
कौन सी मुझे सेलेक्ट करनी है, अभी मत भेजो, अभी सेलेक्ट कर लो, दो दिन ले लो, तुम लोग मुझे दे रहे होगे ये शीट 31 तारीख को निशिश की, ठीक है? निशिश की शीट को बैठ के मैं सबकी शीट को देखूंगा, ठीक है, और मैं फाइनलाइज कर दूंगा भाई ये है। मैं आप सबसे फिर बोल रहा हूँ, आप सब लोग अपनी निश फाइनलाइज कर लें, मैं सबसे इनपुट ले लूंगा, आप लोग जो हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, अपनी ये शीट आप लोग पीएम्स को प्रोवाइड करेंगे विद योर, मुझे आई एम श्योर कि आप लोग कुछ कोई यूनिक आईडी मिलती है क्या एज अ यूजर ऑफ ईसी? नहीं, वो बस फेसबुक की आईडी होती है, ईमेल एड्रेस होता है, दो चीज होती है बस। अच्छा, आप लोग को अपना अपनी शीट पे टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा, अपनी शीट पे आप लोग को जो है वो शीट किसी और के साथ शेयर नहीं होगी, वो सिर्फ पीएम्स के साथ शेयर होगी, ठीक है? हम लोग किसी और स्टूडेंट के साथ भी नहीं करेंगे। आई नो पीएम्स खुद भी स्टूडेंट हैं, बट ट्रस्ट मी, जिनको मैं ले रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि देयर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ना मैं हूँ ना आप हैं, कोई भी नहीं, हम सब लर्निंग फेज में, लेकिन दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो डिलीवरेबल्स लोग रुकेंगे लोगों के, ठीक है? अभी सही है, एक तो चीज ये, दूसरी उस शीट की को एनल, उस शीट में जो आप लोगों ने निशेस लिखी हुई होंगी उनको बैठ के मैं एनालाइज खुद करूंगा, और फिर मैं आप लोगों को थ्रू ईमेल या किसी तरह जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई आप इस तरफ चले जाओ, ठीक है? आप लोगों को अपना ईमेल लिखना है और फेसबुक आईडी देनी है उस शीट के ऊपर, फेसबुक आईडी, ईमेल, आपका नाम क्या है और आपकी एनरोलमेंट किस में है, बीसी में है, 1-1 में है या किस में है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाएं उसके अलावा 5-7 में से सेलेक्ट करने के बाद आपकी निश कंफर्मेशन होगी, निश कंफर्मेशन करने के बाद आप अपनी कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप सिर्फ 2 टूल्स यूज कीजिए अभी, एक जो फ्री है और एक जो पेड है। पेड का मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बता दिया, एसईओ ग्रुप बाय टूल्स के थ्रू आप एएचरेफ्स पे एक्सेस कर सकते हो, और की जो फ्री है वो कीवर्ड प्लानर है, लेकिन उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है हर किसी के पास। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ भी आपको मैंने आप लोग को तरीका बता दिया था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग अभी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी भी है जो आप लोग लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रेज मैचेस आप लोग निकाल सकते हो कीवर्ड मैच कीवर्ड प्लानर को लेके, सही है? अपने आप लोग ये चेक कर सकते हो कि क्या आप लोग के एटलीस्ट 100 पेजेस बन जाएंगे, रेलिवेंट कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आई विल गो बैक टू माई वन ऑफ दो स्लाइड्स जहाँ पे मैंने द पावर ऑफ 4 की बात करी थी, बेस्ट कीवर्ड्स फॉर अमेजोन एफिलिएट्स की बात करी थी, इफ यू गाइज रिमेम्बर, सही है? तो आप लोग अपने बायर इंटेंट कीवर्ड बहुत आराम से निकाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, सही है? तो ये 2-3 चीजें हैं, इसका खास ख्याल रख लेना। और फिर आप लोग की जब कीवर्ड्स की लिस्ट पूरी निकाल लो, उसमें इररिलेवेंट, देखो जब कीवर्ड्स की लिस्ट निकालनी है ना, तो उस खास एक्सेल फाइल में 3 शीट्स होंगी, कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट नंबर 1, नंबर 2 कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट के अलावा आपकी मेन परचेस इंटेंट कीवर्ड्स लिस्ट, वो शीट 2 में होगी, सही है? और शीट और कॉम्पेटिटर एनालिसिस की जो पूरी एक्सेल फाइल होगी वो डिफरेंट होगी, वो इसके साथ मिक्स नहीं होगी। या आप करना चाहो तो कर भी दो, बल्कि कर ही लो। आपके 5 जो कॉम्पेटिटर्स हैं, 10 मत करना, 5 ही करना, टॉप 5, वो टॉप 5 कॉम्पेटिटर्स के नाम से हर शीट का नाम एक उनके नाम पर होगा, जैसे 10 पर्स पेट्स हो गई, सही है? और उसमें उनके सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो है आप लोग ने लिस्ट डाउन करे हुए होंगे। फिर आप लोग की जो फाइनल शीट बनेगी वो होगी जो आप लोग ही बनाओगे, डिटरमिन परचेस इंटेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, लिस्ट देम डाउन इन अ न्यू शीट, मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स एज वेल। कॉम्पिटिट, अगर आपको लगता है कि आपने कोई कीवर्ड मिस आउट कर दिया है और कॉम्पिटिटर का कोई ऐसा कीवर्ड है जो कि परचेस इंटेंट लग रहा है आप लोग को, आप लोग उसको उस अलग शीट में इनकॉर्पोरेट कर लोगे। ये सारी कीवर्ड रिसर्च की शीट होगी, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा आप लोग का। जब आप लोग नेक्स्ट वीक आओगे तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाने सबके, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्लास की बात। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हुई संडे को, संडे को क्लास खत्म होने के बाद आप लोग को ये पता चल जाएगा कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाने, आप लोग को जो है
थोड़े बहुत हंटिंग का तरीका बता दूंगा, फाइवर पे, अपवर्क पे या फाइवर पे, सही है। आप लोग को जो है अपने मैं गो अहेड दे दूंगा कि भाई जो भी आप लोग के ग्रुप में नेटवर्किंग में बंदे हैं जो कंटेंट राइटिंग जानते हैं, या ईसी की कम्युनिटी में जाके आप लोग अनाउंस कर दो, ठीक है। ठीक एंड उसके बाद यू विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग योर कंटेंट टू दोस कंटेंट राइटर्स, और आप लोग डेडलाइंस दे दोगे उनको, और उन डेडलाइंस पे काम पूरा मिलना, वो जाहिर सी बात है फॉलो अप आप ही रखोगे, वो मैं नहीं रखूंगा। आप लोग ही कंफर्म करोगे कि आप लोग का कंटेंट आप लोग को पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। ठीक या अब उससे रिलेटेड कुछ चीजें और हैं जो बाद में मैं पीएम्स को काम दे सकता हूँ, अपने मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूंगा, हर काम जिसमें पीएम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मैं भी उतना ही इन्वॉल्व हूंगा। और फिर उसके बाद एक बार आप लोग का कॉन्टेंट कैलेंडर बन गया और ये वाला टॉपिक क्लोज हो जाएगा, तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूंगा। फिर आप लोग अपना टेम्पलेट खरीद सकते हो, होस्टिंग खरीद सकते हो, आप लोग की बैक एंड की सारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा, आप लोग फिर वेबसाइट बिल्ड करके और उनको उस पूरे कंटेंट को डालना स्टार्ट कर सकते हो, सही। अच्छा ठीक सर, है। एक जी एक जो है मेरे जहन में बात आई थी कि हम पीएल के लिए जो टूल्स यूज करते हैं हीलियम वगैरह, उसके जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी निश में प्रॉफिट कितना आ रहा है, मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं क्या, हम उससे वो निश सेलेक्ट करके फिर उसको इधर लेके आ सकते हैं। देखिए ये आप लोग की, मैं आप लोग को एक अच्छी बात बताता हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल यूज डिफरेंट टूल्स, कोई जंगल स्काउट की यूज कर रहा है, कोई हीलियम यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ। आप लोग को अगर एक्सटर्नल टूल्स यूज करने हैं जो आप लोग के पास हैं और उससे जी आप लोग को फायदा निकलता है, करें, बहुत जबरदस्त बात है। मतलब अगर टूल्स को यूज करके आप लोग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है तो वेल एंड गुड, मैंने आप लोग को बेसलाइन दे दी है कि एचरेफ्स तो यूज करना ही करना है, क्योंकि एचरेफ्स नहीं यूज करोगे तो प्रॉब्लम थोड़ी होगी तुम लोग को, मतलब क्योंकि एक अच्छा बेहतरीन टूल है एचरेफ्स, और वो भी $25 में $20 में तुम लोग को मिल जाएगा। तो और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रुप ग्रुप बाय टूल्स होते हैं ना, ये लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको एक्सेस, अगर आपको शेयर करना है अपना आईडी पासवर्ड किसी के साथ, तो वैसे तो वो एनकरेज नहीं करते, वो ये बोलते हैं कि आपका हमारा जो अकाउंट है ग्रुप बाय का, वो मैक्सिमम 3 जगहों से लॉग इन होना चाहिए, अगर जिस दिन चौथी जगह से लॉग इन होगा हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे। आप फिर ये सब उनको वो जो रिक्वेस्ट कर आप सकते जो हो, आप जी वो आपने जो दिए ना साइट, उसमें एक जगह से लॉगिन होता है, अगर उसको उसी ब्राउजर पे दोबारा लॉगिन करने की, यानी कि ब्राउजर को क्लोज करने की ट्राई करके फिर दोबारा करें ना लॉगिन, तो पिछला ब्राउजर जो है वो लॉग आउट हो जाता है। हाँ। तो अगर एक तो बात ये, तो एक वक्त में एक बंदा लॉग इन कर सकता है, दूसरा आप 3 डिफरेंट डिवाइसेस से एट अ टाइम की बात नहीं कर रहा, जैसे मैं यहां पर हूं, मैं अपनी खाला के घर गया वहां लॉग इन करा, मैं कल को ऑफिस गया वहां लॉग इन करा, और चौथी दिन मैं अपने दोस्त के यहाँ वहां लॉग इन करा, तो फिर वो मेरा अकाउंट बंद कर देंगे, वो बोलेंगे कि आप स्पेसिफिक एरियाज में यूज कर सकते हो, आपका अकाउंट एट अ टाइम 5 एट अ टाइम नहीं, मतलब अलग अलग जगह पिछले 3 दिन में 5 जगहों से लॉग इन हुआ है, तो गिव अस अ रीजन कि क्यों हुआ है, आप अच्छा रीजन दे दो तो वो अनबैन कर देते हैं। लेकिन वैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि दो लोग अगर मिलके बाय करना भी चाहे तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। जी, बिल्कुल, वो तो आरडीबी के जरिए भी हम शेयर कर सकते हैं, वो मैं यूज कर रहा हूँ पहले ही। हाँ जी जी, तो ये है, ठीक है। अच्छा थैंक यू सर। चले, जी ओके। जी मसूद महमूद, अस्सलाम वालेकुम मोहिश भाई। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या रियल टाइम डेटा अगर किसी से वेबसाइट का देखना हो, अफिलिएट वेबसाइट का, तो कोई टूल है इसका एक्सटर्नल? जैसे हम जंगल स्काउट रन करते हैं तो हमें मंथली सेल्स और मंथली रेवेन्यू आ जाता है, तो कंपेटिटर का अगर चेक करना हो हमें रियल टाइम, अगर उसकी सेल्स है कोई कितनी आ रही है, कोई एस्टिमेट चेक करने के लिए कोई ऐसा टूल है इसके लिए? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता, हो सकता है हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि होगा, बिकॉज देखो तुम्हें पता ही होगा ये बहुत अच्छे से, तुम तो माशाल्लाह खुद भी एफिलिएट राइटर हो, जी कि ये जो सारा काम होता है ना अमेज़न एसोसिएट्स का, ये इसमें जो विनर एस्पेक्ट है, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, वो ये कि आप अपने पसंद के कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाओ, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, बाकी सही सारी चीजें हो जाएंगी आराम से। अगर आपने अपने पसंद की कीवर्ड के ऊपर रैंक कर लिया, आपका गेम हो गया ऑन। तो हम ये नहीं बता सकते कि आप उस वो वेबसाइट अभी कितना कमा रही है, लेकिन
आप क्या चीज बता सकते हो। मैंने तुमको अगर याद हो तो लास्ट सेशन में मैंने अमेज़न का कैलकुलेटर तुम लोग के साथ शेयर किया, ठीक है। अब तुम क्या बता सकते हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम गए एएचआरएफएस पे, मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। एएचआरएफएस पे जाने के बाद मैं एक वेबसाइट को बहुत ज्यादा स्टॉक करता हूँ, 10bees.com, 10bees.com, साथ में लिख भी रहा हूँ मैं सब में, ठीक है। 10bees को मैं बहुत ज्यादा स्टॉक करता हूँ। अब 10bees जो है ना, वो एक बहुत अच्छी एफिलिएट वेबसाइट है, अमेज़न को ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। जी बिल्कुल। अब उस वेबसाइट को अगर तुम देखो ना, तो तुम एक चीज निकाल सकते हो कि इसका एस्टिमेटेड मंथली ट्रैफिक कितना है। सही। नाउ अब चीजें एस्टिमेट होंगी, अगर कोई साइट, अगर कोई टूल है, लेट्स सपोज तुम्हें कोई टूल मिल गया ऑनलाइन जो ये बता रहा है कि ये अभी साइट कितना कमा रही, डेफिनेट नहीं बता सकती। तो ट्रैफिक वैल्यूज होंगे कैलकुलेट कर आप सकते हैं, मतलब वही एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ इस तरह के, तुम्हें उस वेबसाइट का 10bees का टोटल एस्टिमेटेड ट्रैफिक पता चल गया कितना है। उस एस्टिमेटेड ट्रैफिक को के ऊपर तुमने आप अपने मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करे, तुमने बोला इस ट्रैफिक के ऊपर जो है 10% कन्वर्जन है, फॉर एग्जांपल 10% कन्वर्जन के बाद 2% कन्वर्जन है अमेज़न की, तो आई शुड थिंक कि ये बिटवीन इतने पैसे कमा रहा होगा मंथ ऑन मंथ। तो अभी जैसे आपने मतलब कीवर्ड्स का बताया गया, इसके मतलब इस कीवर्ड पे इतना इसका ट्रैफिक आ रहा है, तो वो कीवर्ड का डेटा कलेक्ट करके उस मतलब रिलेटेड जो मतलब प्रोडक्ट्स के, तो अब आप जो एस्टिमेशंस है ना, वो सिर्फ दो बेसिस पे कर सकते हो, पहला कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और दूसरा एस्टिमेटेड कीवर्ड ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। मतलब सर्च वॉल्यूम तो हमेशा ज्यादा होगा, सर्च वॉल्यूम अगर 1,00,000 है तो 1,00,000 में से पहले जो पहले रैंक पे जो बंदा बैठा हुआ है सीआरपी पे, उसको टोटल ट्रैफिक कितना जा रहा है वो आपको एस्टिमेटेड ट्रैफिक एएचआरएफएस भी बता रहा होगा। तो उसके बेसिस पे आपने वो फिगर उतार ली, आपने बोला सही है मेरा एक कीवर्ड ही हो गया। फिर आपने, अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि एएचआरएफएस आपके कॉम्पिटिटर्स भी आपको बता देता है, जस्ट पर स्पेट की बात कर लेता हूं मैं अभी, मैं साथ ही, असल में मुझे पता है तुम लोगों को मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रहा और वही मैं इस वजह से शेयर भी नहीं कर रहा क्योंकि भाई लैग होना शुरू हो जाता है। तो अभी एक मिनट जरा मैं तुम लोग को बता रहा हूँ अभी, सिर्फ द स्पर्स पेट्स में अभी खोल के बैठा हुआ हूँ, इस पे मैंने जो है टॉप पेजेस स्पर्स पेट्स के निकाल लिए अपने पास, ठीक है। आई एस्टिमेटेड मंथली सर्च वॉल्यूम जो स्पर्स के जिन टॉप पेजेस जो है जिसपे स्पर्स टॉप पे बैठा हुआ है वो काफी अच्छा है, मतलब एक सर्च एक है जिसपे स्पर्स नंबर 8 पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसका सर्च वॉल्यूम मंथली 2,80,000 है, ठीक है। एंड सो एंड सो फोर्थ, मतलब कुछ लो कॉम्पिटिशन की वर्ड है जिसपे स्पर्स पेट जो नंबर 1 लेके बैठा हुआ है, पोजीशन लेके बैठा हुआ है। तो कहने का मकसद ये, मैंने अगर तुम लोग को याद हो मैंने $500 वाला जो हिसाब किताब निकाला था उसमें क्या आ रहा था, 80,000 क्लिक्स है ना। Sorry. अगर तुम लोग को याद हो तो 80,000 ट्रैफिक के ऊपर अगर हम बाकी मैट्रिक्स को एज्यूम करते हैं कि 80,000 सर्च वॉल्यूम, ट्रैफिक नहीं सर्च वॉल्यूम के साथ, जो भी अगर आप अच्छी पोजीशन लेके बैठे हुए हो, ऑन एन एवरेज आप अच्छी पोजीशन लेके बैठे हो एससीआरपी पे पहली 3 में से कोई, तो आप यू शुड बी एबल टू मेक अराउंड $300 to $500 पर मंथ। ठीक है मोहित भाई, समझ आ गया बस। हाँ थैंक यू। ठीक है so, yeah. जी शोएब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे भी अच्छा एक चीज आज जो ना मुझे आपसे पूछनी थी, उस दिन जो आपने Amazon कैलकुलेटर में जो बताया था वो कीवर्ड प्लानर से सर्चेस आपने 84,000 अराउंड समथिंग लिए थे, लेकिन आज जब आप मुझे यहाँ से एचएफ से दिखा रहे थे तो आपने कहा जो ट्रैफिक आ रहा है वो 84,000 होना चाहिए या कीवर्ड या उसके सर्चेस 84,000 होने चाहिए। एक्चुअली मेरे पास ना एक तो वो कैलकुलेटर मुझे वापस खोलना पड़ेगा, एक मिनट रुकना जरा मैं बताता हूँ तुम्हें। ये रहा। अच्छा सो
कीवर्ड सर्चेस, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम मैंने 80,000 रखी और एवरेज एस, हाँ एवरेज एसईआरपी पोजीशन मैंने लेट्स सपोज अभी फिलहाल मैं 1 रख रहा हूँ। मैं बहुत बहुत ज्यादा आइडियलाइज कर रहा हूँ, आइडियली बोल रहा हूँ मैं, बोल के यार बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है। विजिट एफिलिएट लिंक में 10% रख रहा हूँ, अमेजॉन परचेस रेट 2% रख रहा हूँ। एवरेज अमेजॉन परचेस जो आपकी होगी वो मैं रख रहा हूँ $100 और अमेजॉन रेट जो है वो मैं रख रहा हूँ 6%। तो आपके चले 6% भी नहीं, 4% रख लेता हूँ मैं। तो 80,000 कीवर्ड सर्चेस के साथ अगर आप एसईआरपी पोजीशन 1 लेके बैठे हुए हो, चलो मैं इसको एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकना यार। या सो अगर आप एसईआरपी पोजीशन 1 लेके बैठे हुए हो या टू अराउंड 1 लेट के बैठे हुए हो, 80,000 कीवर्ड सर्चेस हैं, एफिलिएट लिंक क्लिक थ्रू रेट जो है वो आपका 10% है, परचेस रेट अमेज़न का 2% है, एवरेज अमेज़न परचेस जो आपके प्रोडक्ट्स के थ्रू हो रही है उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो $100 है, तो पोटेंशियली यू शुड बी एबल टू अर्न अराउंड $400, $450, $400। अगर आप एसईआरपी पे नीचे जाते रहते हो तो सिग्निफिकेंटली ये पोटेंशियल प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका जो जो स्लैब है अगर वो 6% से 4% पे चला जाता है तो आप फिर $450 से गिर के $300 पे आ जाते हो। तो ये चीजें हैं जो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो भी रखना है और बेस्ट केस सिनेरियो भी रखना है। ठीक, एक सेकंड किसी को, एक मिनट रुकना, ठीक है। तो इसको थोड़ी कैलकुलेशन कर लो तुम लोग अपनी एंड पे ना, और हम लोग इसको डिस्कस भी कर लिया करेंगे। अच्छा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, एक बार ये हो गया और जब हमने सबके प्रोजेक्ट्स कर लिए उसके बाद मैं ईसी से रिक्वेस्ट करूंगा, पूछूंगा इफ दे अलाउ मी टू गो ऑन लाइव कॉल विद एवरीवन, मतलब जितने अगर मुझे पता है मुझे अलाउ सिर्फ है कि मैं 1-1 स्टूडेंट्स के साथ जाऊं, दे हैव दैट थिंग, बट बिकॉज मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि आप लोग के ये काम हो, मुझे पूछना पड़ेगा ईसी की टीम से कि अगर वो लोग मुझे अलाउ करते हैं कि जब ऑलमोस्ट 1 month और 1.5 month डाउन द रोड जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादातर काम तुम लोग का हो चुका होगा, साइट भी लॉन्च हो चुकी होगी, तो फिर मैं तुम लोग के साथ सेशंस करूंगा जिसमें मैं पूछूंगा एग्जैक्टली कि तुम लोग का अभी प्रॉब्लम क्या फेस आ रही हो, तुम लोग अभी कहाँ कौन सी रैंकिंग पे बैठे हुए हो अपने कीवर्ड्स के ऊपर, और क्या तुम लोग की रैंकिंग्स इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है, और तुम लोग की अपना जो काम है बैक लिंकिंग से रिलेटेड और ये सारे काम वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं और कहाँ डिफिकल्टी पेश आ रही है। ठीक ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज और पूछनी थी मुझे। हाँ अच्छा, मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने जिस तरह बताया कंटेंट राइटर हमें यहीं से हायर करने लोकली ना, तो आपके हिसाब से एक नॉर्मल प्रोवर्ड हमें क्या पे करना चाहिए कंटेंट राइटर को लोकल? यार मैं तुम्हें बताऊं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं तो टोटल 30,000 रुपए दे के जो है ना भर भर के काम करवा रहे हैं कंटेंट राइटर से, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 30,000 रुपए नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं भाई पर वर्ड हम तुम्हें देंगे और वो पर वर्ड दे रहे हैं। मैं लेट्स बी ऑनेस्ट, पर वर्ड आई थिंक थोड़ा महंगा पड़ जाता है, ये थोड़ा जुल्म हो जाता है। आप जो दे सकते हो और सामने वाला जिसमें खुश हो आप उसमें मनवा लो। मैं बात कर रहा था कल परसों ही दोस्त से, तो वो मुझे बता रहा था कि मेरे पास तो 25,000 वाले कंटेंट राइटर पड़े हुए बहुत अच्छे जिन्होंने ई बुक्स भी लिखी हैं, तो मैं बोला था वाह भाई कमाल है, वो काम करवा रहा है मतलब ना दे धनादन, और सही है जो जिसमें खुश है। तो ये कि मिलना चाहे तो आप लोग बहुत सस्ते भी मिल सकते हैं, और अगर महंगे होना चाहे तो वो अच्छे खासे महंगे भी हो सकते हैं। चलें ठीक, ओके जी। जी मोहम्मद असदुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मोहित भाई, काफी सारे क्वेश्चन जो है ना वो तो एड्रेस हो गए हैं अभी जो दो तीन दोस्तों ने पूछे हैं. तो मुझे जस्ट ये पूछना है कि ड्यू टू करंट सिचुएशन ये जो नीच सिलेक्शन है ना, ये इस पे तो पहले से ही काम शुरू कर दिया था और लेकिन ये करंट सिचुएशन की वजह से कुछ नीच जो है वो इफेक्ट भी हो सकती है ना. जैसे जैसे अगर ट्रेवल नीच को सिलेक्ट किया है तो वो तो आजकल बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है ना कि कोई ट्रेवल को सर्च करेगा या कोई उसका सर्च वॉल्यूम होगा कुछ इस नीच का. ट्रैवल को नहीं, लोग, मैं एक बात बता देता हूँ, घर में कौन सा कोई आ रहा है वैसे भी, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, लोग फिटनेस के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं. मैंने एक बहुत अजीब सा प्रोडक्ट देखा था, मेरा क्लाइंट मुझे दिखा रहा था, मैं सुन के हैरान हो गया था. जस्ट गिव मी वन सेकेंड, में बल्कि पढ़ के बताता हूँ आप लोग को, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया भी होगा. एक मिनट रुकेंगे प्लीज, आई एम सॉरी. जी जी I'm sorry यार, वो ऐसे में या सो ये कस्टमर आया था मेरे पास, ये रहा, और इसने बोला मुझसे okay. पर बस मतलब कुछ उसने एक किसी खास तरह के फोन कवर्स की बात करी, और मतलब मैं सेल्फ सैनिटाइज और पता नहीं कुछ ऐसे करके उसने कोई फोन कवर्स की बात करी, एंड आई वाज लाइक कि ये किस तरह की प्रोडक्ट की बात कर रहा है. और मैंने उसको बोल दिया राइट एट दिस टाइम, बिकॉज मैं खुद काफी ऑक्यूपाइड हूँ, मैंने बोला सॉरी आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑर्डर्स, बट अगर ले रहा होता तो मैं ढूंढ के दे देता अगर ये एग्जिस्ट करता है. तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसका बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता. टॉयज एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं घर में. मेरी अपनी खुद की बेटी है, तो वो ना मतलब उसको हम लोग ने आदत दिलाई हुई थी बाहर बहुत ज्यादा जाने की, तो वो बेचारी रो रही होती है. तो आई मीन टॉयज अभी जो है वो बहुत एक मेजर कैच हुआ हुआ है, बिकॉज लोग जो है बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं इस बात को लेके, मतलब उनको अपने किसी भी कजन से मिलना है या किससे मिलना है या बाहर जाना है या जो भी, तो अब वो खत्म हुआ है. तो या सो ऐसा है. जी जी. और हाँ, एट द सेम टाइम एक और बात, सबको ही पता है ज्यादातर लोगों ने मेड्स बंद कर दी अपने घर पे, एटलीस्ट मैं जिन लोगों को जानता हूँ, तो इसी वजह, जबकि उनकी सैलरी दे रहे हैं, उनकी सैलरी उनको मिल रही है, लेकिन मेट्स जो हैं वो उनको बोल दिया कि नहीं आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी, जब ये मामला थोड़ा ठंडा होगा तो आप वापस आ जाइएगा. इसका मतलब ये कि क्लीनिंग चीज, क्लीनिंग सर्विसेज और इस तरह की चीज़ें जो हैं जो हेल्प करती हैं घर को क्लीन होने में, तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं. तो यू गाइस कैन ऑल्सो लुक टूवर्ड्स दैट. जी जी. आपने जिक्र किया भी कि आप कोई टेम्पलेट शेयर करेंगे इसके लिए. हाँ जी. हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो वो कब तक करेंगे और किस तरह से? मैं बस अब तकरीबन मेरी कोशिश यही है कि मैं रोज के बेसिस में एक दो चीजें देता रहूं, एक से दो दिन के अंदर हर चीज देता रहूंगा आप लोग को. अपने पीएम से मैं कांटेक्ट में रहूंगा और मैं बात करता रहूंगा. मैं तो सर आई वुड सजेस्ट कि आप WhatsApp ग्रुप बना लें एक Amazon affiliates का. वो पता है क्या मेरी बात हुई है, मुझे अलाउड नहीं है. मुझे अलाउड नहीं है. मैंने इस वजह से ही पीएम वाली बात मैंने रखी, ताकि चीजें जरा आप लोग के लिए जो है ना जल्दी जल्दी डिलीवर होना शुरू हो जाए. ठीक ठीक ओके सर. चलिए जी. मुताहिर अली अस्सलाम वालेकुम. मोइज भाई मामसान. मोहित भाई, मेरा एक तो क्वेश्चन ये था, एक नीच से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अब फॉर एग्जांपल जो मेरा इंटरेस्ट है वो सेल फोन्स या मोबाइल फोन्स है. मैं बहुत ज़्यादा सर्च करता हूँ स्मार्टफोन्स को और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी होती है मुझे, तो ये कितना वायबल है, कितना सैचुरेटेड है इस बारे में, और क्या हम ऐसी नीच के साथ जा सकते हैं जो कि लाइक ये सेल फोन्स बहुत कंपेटिटिव है, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर करते हैं काम, एक तो ये चीज़ है. दूसरा मोहित भाई ये है कि अब हम बहुत से लोग यहाँ पे कंटेंट से रिलेटेड जो हैं वो बिल्कुल न्यूबीज हैं, उनको नहीं पता,
तो फॉर एग्जाम्पल हम किसी से भी लिखवा रहे हैं एक चीज, तो हम उस कंटेंट को इवेल्युएट कैसे करेंगे उस कंटेंट को, ठीक है? अब हर बंदे के आर्टिकल तो आप नहीं पढ़ सकते वहां पे, तो एक चीज ये है। दूसरा, अगर हम खुद से बेसिक्स इसकी सीखना चाहते हैं कंटेंट राइटिंग की, कि हम खुद से कर लें कुछ काम इसमें, तो दूसरा ये था। और थर्ड ये थी कि ऑब्वियसली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है कि वो SEO बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कीवर्ड्स की जो SEO हमने करनी है, तो वो आप A to Z कर रहे होंगे, या आप हमें सजेस्ट करते हैं कि हम मीनवाइल साथ कुछ और कोर्स जो पूरा SEO को कवर कर रहे हैं हम उसको भी टेक ऑन करें? अच्छा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, लिया था वो फ्री में मिल रहा था, मैं आपको बताता हूँ, सुने, कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा है और आप लोग की हेल्प कर रही है, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज जो आपको, आपकी जरूरी नहीं Amazon affiliate हो, कुछ भी हो, वो डिजिटल मार्केटिंग ही हो रिलेटेड टू दैट, अगर वो आपकी नॉलेज में इजाफा कर रही है और आपको लगता है कि आप चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है। मुझसे कोई बात कर रहा था अभी रिसेंटली, उसने मुझसे पूछा कि सर क्या मैं Shopify के थ्रू Amazon एसोसिएट्स कर सकता हूँ? और मेरा जवाब उस पर यह है कि आप कर सकते हो, लेकिन देर इज अ रीजन कि मैं WordPress से करवा रहा हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हो, आप Shopify से भी कर सकते हो Amazon एसोसिएट्स, लेकिन WordPress बेहतर चॉइस है। और वो Shopify एसोसिएट और Shopify एसोसिएट्स बोलो, Shopify के थ्रू करना है, कि कोई, मैं ये नहीं बोल रहा कोई बहुत क्रेजी फायदे हैं उसमें, कुछ चीजें जो होती हैं जब आप Amazon एसोसिएट्स कर रहे होते हो, तो वो आप इधर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी अपनी वेबसाइट पे। तो वो फिर सीखना चाहे तो कोई वहाँ पे भी चला जाए सीखने के लिए, कोई भी हर्ज नहीं है, बल्कि इनफैक्ट सीखने से इंसान को ये पता चल जाता है कि अच्छा ये भी एक तरीका है, लेकिन ये उतना एफिशिएंट नहीं लगा जितना पहला तरीका मैंने सुना था। तो बिल्कुल आप करें, हो सकता है आपको वहां से कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे आपका तरीका और बेहतर हो जाए। ठीक है। और मोइज़ भाई, ये उस पर जो मोबाइल्स की बात मैंने की, मोबाइल्स की इग्निश हो गई, और दो कंटेंट की बात है काइंडली उस पर थोड़ा सा बता दें कि I'm sorry, can you come again with that question again? Please repeat कर लें आप। मेरा क्वेश्चन सिंपली ये था कि अब जो सेल फोन्स हैं, सेल फोन से रिलेवेंट सर्चेज, और ये काफी कंपेटिटिव निश है, ठीक है? तो हम न्यूबीज हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इन निशेज में हमें जाना चाहिए, या हमें लो सर्चिंग निशेज हैं उनमें जाना चाहिए, क्योंकि ये सैचुरेटेड तो नहीं होती ज्यादा सेल मोबाइल फोन से रिलेटेड जो है। और दूसरा मेरा यह था कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी से कंटेंट लिखवा रहे हैं खुद, या खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें गाइड कीजिएगा। अच्छा, मैं बताता हूं, पहले मैं पहले वाले पे बता देता हूं, ठीक है? पहली वाली के ऊपर ये मैं बोल रहा हूं कि आप, मैंने बोला है ना कि आप लोग 5 से 7 निशे सेलेक्ट कर लो, आप उसको डाल दें उसमें, ठीक है? और आप डालने के बाद ना, आप उसके बाद हमें भी प्रोवाइड कर दें, मैं भी आपको देख के बता दूंगा, क्योंकि मैं असल में कोई ऐसा पैशन मेरा तो है नहीं इतना कोई क्रेज सेल फोन से रिलेटेड, आपका हो सकता है तो आपको नॉलेज मुझसे ऑब्वियसली एक्स्ट्रा माइल होगी, मेरा इंटरेस्ट किसी और एरिया में, तो मुझे थोड़ा सा इस पे देखना पड़ेगा कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है इनके, जो अपने मेन कीवर्ड्स हैं जहाँ से आप कमा सकते हो, ठीक है? अगर मुझे ऐसा लगा उसको देख के कि हाँ इसके साथ जा सकते हो, तो मैं बिल्कुल बोल दूंगा, ठीक है? नहीं, अभी ये किसी ने कमेंट किया है कि मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, Amazon कमीशन नहीं देता उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली वी कैन गो विद दैट। बेहतर यही है कि आप लोग एक काम करो, जो लिस्ट मैंने आप लोग को प्रोवाइड करी थी ना, उसके ऊपर आप क्लिक करो, अगर Amazon एसोसिएट्स की जो पूरी लिस्ट है उसमें से देखकर आप लोग सेलेक्ट कर लो अपने निश, तो आप लोग के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है मोइज़ भाई, ठीक है। और मोइज़ भाई, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, कि कंटेंट राइटिंग अगर खुद करना चाहते हैं या इवेल्युएट किसी का काम करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? उसका करने का तरीका सिंपल है, आप दो, एक जो PM, मैंने 2 PMs का नाम अनाउंस किया है, एक मसूद महमूद है, दूसरे तैयबा है, आप लोग उनका अपना कॉन्टेंट, ये दोनों राइटर्स हैं, प्रॉपर राइटर्स हैं ये दोनों, आप लोग इनको दो, सही है, मैं भी बैठ जाऊंगा इनके साथ, और ये लोग सिर्फ एक गो थ्रू करके आपको कुछ उसमें चीजें रेक्टिफाई करने के बोल सकते हैं कि आपने ये चीजें नहीं खास ध्यान रखा हुआ। मतलब मैं प्रॉबेबली अगर आपको आपका कंटेंट लूंगा ना, तो सबसे पहले मैं एक जेनेरिक एक डेंसिटी देखूंगा। वैसे आप गूगल सबसे ज्यादा रेलेवेंसी इस चीज को ही देता है कि और कंटेंट इटसेल्फ कितना ओरिजिनल है, कॉपीड तो नहीं है, अनप्लेजराइज है, और कितना डिस्टिंक्ट है, वो एक ये चीज देखता है वो। दूसरा वो ये भी देखता है
कि उस एरिया में सबसे पहले किसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी. ऑब्वियसली आप उसमें आप और मैं तो हो नहीं सकते बिकॉज एग्जैक्टली ठीक है. तो फिर इट गोज बैक टू दैट कि उसमें डेंसिटी क्या है, उसकी रेलेवेंसी क्या है, और फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, बैकलिंक्स वगैरह ये सारी चीजें वो तो एक अलग चीज है ना. लेकिन जो कंटेंट से रिलेटेड है आई एम श्योर के उसमें शुरू के कुछ कंटेंट अप्रूव करा. मैं ये तो नहीं कर सकता कि हर कंटेंट पे मैं देखूं बैठ के, लेकिन हर किसी के कुछ कंटेंट पीसेस देख के मैं जरूर बता सकता हूँ अपनी टीम के साथ इधर जो है ये लोग इन लोगों के साथ बैठ के कि भाई ये कंटेंट अप टू द मार्क है कि नहीं है. उस पर मेरी से एक होगी ऑब्वियसली, ये लोग प्रोफेशनल राइटर्स हैं, इनकी से मुझसे ज्यादा बेहतर होगी. राइटिंग मैंने भी करी हुई है लेकिन मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, तो उस पर मैं इन लोग का इनपुट लूंगा उस चीज के ऊपर. ठीक है महेश भाई, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. ठीक है, हो गया. अच्छा पहले मैं अपने दोस्त उमेर का, आई एम सॉरी मोतीशम, इसके बाद में तुम्हारा सवाल ले लेता हूँ. उमेर का सवाल ले रहा हूँ मैं बीच में से, आई एम सो सॉरी, मैं आप सबको बीच में से कट ऑफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन आई बिकॉज आई नो उमेर पर्सनली एंड मैंने आप लोगों के सामने दो तीन बार तारीफ भी करी है, उमेर की भी करी है मैंने अवैस की भी करी है, माशाल्लाह सभी तारीफ़ के काबिल हैं. लेकिन क्योंकि मैंने इसके साथ एक लंबे अरसे मैंने काम करा है तो इस वजह से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इस वजह से ले रहा हूँ कि हो सकता है इसका कोई इनपुट हो. Even though he has not said anything, मैं ऐसी ले रहा हूँ इसका. हाँ उमेर. अस्सलाम वालेकुम मीस, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं सही हूँ, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है यार. Question तो itself नहीं, session बहुत अच्छा था हमेशा की तरह. बस मैं वो chat में चीज़ बोल रहा था, if someone is looking for help, मतलब तुम तो कर ही रहे हो लेकिन overburden आना, तो I'm also willing to help. नहीं obviously भाई तुम और अवैस को मुझे help मैं ले एज अ पीएम लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोग के कान खा रहा, सही है? तो तुमको उसकी फिकर की जरूरत ही नहीं है. मैंने ये जो एयर श्रेफ्स का मैं अकाउंट यूज कर रहा हूँ गाइस, जस्ट सो दैट यू गाइस नो, ये उमेर का ही अकाउंट है. और जो ये स्क्रैप बॉक्स जो है, जो मैंने अवैस ने जिक्र करा था, उसका अकाउंट मेरे पास आ गया है, वो भी अकाउंट अवैस का है. तो ऑब्वियसली इस तरह की कोई भी हेल्प होगी तो ये लोग, ये नहीं है, मैंने उमेर के साथ एक लंबे अरसे मैंने काम किया है, अगर कोई भी बात होगी तो मैं डायरेक्टली इसको अप्रोच करूंगा. ये तो मतलब कहने, अगर तुम मुझसे ये नहीं भी बोलते तब भी मैं तुम्हारे पास हेल्प के लिए आ रहा था. नहीं नहीं कोई मसला, अच्छा ऐसी अमरस चाहिए हो तो भी बता देना, मेरे पास है. अच्छा अच्छा सही सही, दैट्स और ठीक है. और जो लोग भी सुन रहे हैं कि यार आप लोग जितना, अगर आप लोग कुछ नहीं दे सकते तो दैट वुड बी योर फॉल्ट, क्योंकि मुइज पूरा एक समंदर है इस चीज के अंदर. मैं भी पर्सनली जानता हूँ इसको, मैंने भी पर्सनली काम किया, इज एन अमेजिंग गाय. तो ट्राई कि आप लोग कर सको लेकिन ओवरबर्डन नहीं कर देना, बाकी अल्लाह मालिक के, एवरीबॉडी से स्टे. बस मुझे सवाल नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू से दैट. अच्छा अच्छा सही, थैंक यू. आई एम कोई भी यार बंदा यहाँ पे, कोई भी अपने कोई खास एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, हम सब एक फैमिली है एंड खास तौर पे इस क्राइसिस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. ऑब्वियसली कोई भी अगर अपने बैकग्राउंड से कोई एक खास चीज लेके आ रहा है तो दैट वुड बी मोर, मतलब मोस्ट वेलकम के वो उसको रखे और हम लोग सब एक दूसरे की हेल्प करें. हाँ, इसी के लिए जो है वो इसी को खास अकोमोडेट कर रहे हैं, मैं भी, मेरे पास भी आते हैं एंड यू आल्सो. ठीक, थैंक यू मैम. ठीक है, ओके, थैंक यू मोहित. ओके, हाँ मोहित, अच्छा नेट बंद हो गया था तो हैंड रेस जो है वो डाउन हो गया था, तो अब सवाल थोड़े बढ़ गए. तो अच्छा एक तो ये छोटे छोटे तो यस या नो में, सबसे पहले तुम कुछ बोलो, तुम हार कैसे गए, तुम ये बताओ. अरे जीत गया था, नेट बंद हो गया, तो पीछे कैसे आए? नेट बंद हो गया था. अच्छा ठीक है, उस वो ऑल द वे पीछे चला गया मैं. अच्छा अच्छा चलो फिर. अच्छा तो हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन उनके तो येस और नो में जवाब दे दीजिएगा. एक तो ये कि शुरू के अंदर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बहुत पहले एक जमाने के अंदर एसईओ किया था, बिल्कुल शुरू के अंदर. उसके बाद इतनी अपडेट्स आई कि वो मैं डिस्करेज होकर मैं बिल्कुल ही हट गया था, मैं दूसरे काम पे लग गया था ऑनलाइन. तो अब ये जब आपने जब बोला था कि इसके अंदर कम्प्लीट एसईओ वगैरह सिखाई जाएगी तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हुआ था उसके ऊपर. तो अभी ये जो पूरा कोर्स है, मैं सिर्फ कन्फर्म करना चाह रहा हूँ फिर से कि इसके अंदर पूरी एसईओ सिखाई जाएगी ना, राइट? पूरी एसईओ इससे रिलेटेड सिखाई जाएगी.
अच्छा एफिलिएट्स रिलेटेड बिल्कुल लेकिन लेकिन ऑब्वियसली दैट कैन बी अप्लाइड दैट इज द मेजर एसईओ बेसिकली दैट इज द मेजर एसईओ मतलब जब तुम उसको इंप्लीमेंट देखो देयर आर फ्यू अदर थिंग्स एज वेल ठीक है जो आप जब दूसरे एरियाज में जाते हो तो आप उधर भी देखते हो इस, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अगर मेरी आवाज आ रही है ना जी जी मैं छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें तुम फेसबुक एड्स की बात करो ठीक है अब फेसबुक एड्स की अगर मैं बात करूँ ना तुमसे मैं जब तुम लोग को सिखा रहा हूँ तो तुम लोग को मैं वैसे फेसबुक एड्स सिखा रहा हूँ लेकिन मैं तुम लोग को शॉपिफाई डीएसएल रिलेटेड ज्यादा स्पेसिफिक होकर सिखा रहा हूँ क्या तुम लोग वो किसी और एरिया में उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो कर सकते हो लेकिन क्या उसके अलावा जब आप किसी और निश में जाते हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या किसी और वर्टिकल में जाते हो उसको क्या हम बहुत ज्यादा डिफरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं रियल स्टेट में इट कैन बी डन वेरी डिफरेंटली ई कॉमर्स में तुम लोग VVROs करते हो ये सारी चीजें करते हो सही है तो कहने का मकसद ये जब आप डिफरेंट वर्टिकल्स में जाते हो ना तो उस काम को एग्जीक्यूट करने का तरीका मैं ये नहीं बोल रहा कि एक होता है बेसलाइन बेसलाइन एसईओ और एक होता है या आपका कोई भी काम फेसबुक एड्स है या कोई भी है वो आपको मिल गई आपको मेन डायरेक्शन मिल गई ठीक है उसके साथ यू कैन गो अहेड विद इट वही चीज क्या तुम किसी और वर्टिकल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो हाँ उस वर्टिकल में हो सकता है कि हो नहीं सकता बल्कि चांसेस देयर मतलब काफी अच्छे चांसेस होते हैं इस चीज के कि उसमें कुछ चीजें और एक्स्ट्रा आप ला सकते हो ऑन द टेबल ताकि SEO या Facebook Ads या Google Ads या content writing itself थोड़ी चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाएं तो मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ information in regards to SEO वो यहाँ पे पूरी पूरी दे रहा हूँ अब yeah. अगर तुम मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर if someone is over here because one of the reasons के वो SEO भी सीखने आए हैं तो I think उसका purpose यहाँ पे पूरा होगा अच्छा सेकंड क्वेश्चन ये जो डेडलाइन जो आपने जो दी है 31st तक की ये एक दिन और इंक्रीज हो सकती है या डेडलाइन है मतलब इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस है नहीं कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है तुम दो दिन तीन दिन ले लो तुम लोग लेकिन मैक्सिमम वेडनेसडे तक दे दो अच्छा अच्छा एक और चीज ये भी है कि जैसे अभी ग्रुप की बात कर रहे थे कुछ लोग कि एक ग्रुप बना दिया जाए तो मेरा अपना भी दो मैंने आपको फेसबुक पे मैसेज किया था आपने शायद अभी तक चेक नहीं किया आई गेस फ्राइडे को ही किया था मैंने तो प्लीज एक तो वो भी चेक कर लीजिएगा तो जहाँ तक वो पीएम्स वगैरह की बात है दैट इज फाइन लेकिन ऑब्वियसली एवरीवन वुड यू नो लाइक टू गेट इन टच विद यू पर्सनली तो सही है वो इसी ने मना किया है मैं उसके ऊपर कुछ कह तो नहीं सकता लेकिन मैं खुद भी ये वाली बात यूं समझ लें मेरा वोट जो है वो इस तरफ ही होगा क्योंकि कुछ कुछ एरियाज हैं जिनके ऊपर अलग ग्रुप्स बने हुए हैं ईसी के ऊपर लाइक प्रॉक्सी मार्केटिंग उनका एक अलग ग्रुप है तो इस तरीके से मतलब अगर आप फिर से ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिर से पूछ सकें कि भाई स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्योंकि वो ये जो एरिया जो है ना ये थोड़ा डिफरेंट है ईसी के नॉर्मल एरिया से ये इनकम स्ट्रीम्स जो है ये कनेक्टेड नहीं है अमेजोन से तो अगर इसके लिए लिटरली अगर कोई डिफरेंट ग्रुप बनेगा तो इससे बहुत हेल्प होगी सबको तो मैं तुम लोग से फिर मैंने पहले भी बोला था और मेरा फिर वही है तुम लोग को शायद मैं बता रहा हूँ ऐसे ही तुम लोग जी मैं समझ गया ग्रुप पे पोस्ट करना सात दोस्त हो मेरे तुम लोग दोस्त भी हो भाई भी हो मेरे मैंने तुम लोग को क्या लगता है मैंने नहीं पूछा मैंने पूछा है मैंने मैंने बात करी है ना पर्सनल होके किसी टीम से तो अब देखो मैं एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बैक एंड पे हमारी भी बात होती है मैं भी एक चीज के लिए थोड़ा सा स्टैंड दिखाता हूँ बोलता हूँ कि भाई ये कर लेंगे लेकिन मैं उस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकता मैं तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बाकी फिर तुम लोग की तरफ से अगर होता है मैं बिल्कुल मैं मुझे क्या मसला है मैं उधर आ जाऊँगा मैं पता नहीं कितने लोग यहाँ पे वाउच करेंगे जिनको मैं वॉइस नोट्स दे रहा हूँ क्यों क्योंकि टेक्स्टिंग में मुझे अगर वॉइस नोट अगर टेक्स्टिंग में मुझे 15 सेकंड लगते तो वॉइस नोट देके मैं वही बात 4 सेकंड में कर लेता हूँ या टेक्स्टिंग करके अगर मुझे 1 मिनट लगता है तो वही बात मैं जो है ना 15 सेकंड में कर लेता हूँ तो टाइम सेव करने के लिए जो है ना मैं यकीन करो लोगों को वॉइस नोट्स भेज रहा होता हूँ कि यार टाइम सेव हो जल्दी जल्दी सबके पास मैसेजेस चले जाएं उनके रिप्लाइज चले जाएं बिकॉज मैंने आपको जो लास्ट मैसेज मैंने आपको किया था मैंने आपको फ्राइडे को किया था आई डोंट माइंड कि आप लेट रिप्लाई करें आई डोंट माइंड
लेकिन ऑब्वियसली अ रिप्लाई फ्रॉम यू वुड बी ग्रेटर, सही है? मतलब मेरे हिसाब से एक पीएम अगर जल्दी रिप्लाई करते हैं, मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो फिकर नहीं करो, फिकर नहीं करो, पीएम फिर पीएम रिप्लाईज के लिए नहीं होंगे उनकी, देयर इज अ होल डिफरेंट रीजन कि मैं उनको ऑन बोर्ड लेके आ रहा हूँ. अच्छा. उसका रीजन ये है, देखो मैं बताता हूँ कि मैं उनको कुछ क्राइटेरियाज बताऊंगा. मैं बोलूंगा कि भाई देखो तुम लोग ने काम सबमिट करना है, मुझे करना है, मैं करूंगा, सबको रिव्यू करूंगा मैं, लेकिन तुम लोग उनके थ्रू कर दो मुझे ग्रुप्स. ले सपोज मैं एक बात कर देता हूँ, मैं तैयबा को मैंने 20 का ग्रुप दे दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 20 लोगों में थे, उन्होंने तैयबा को काम दे दिया, तैयबा ने उसमें कुछ चीजें चेक कर ली. अब वो तुम लोग का कॉन्टेंट भी हो सकता है, समझ रहे हो, कॉन्टेंट भी हो सकता है जिसपे तुम लोग को ये हो रहा है कि यार शिट मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा क्या एसईओ ऑप्टिमाइज कॉन्टेंट है कि नहीं. तो तैयबा इज, पहली बात तो ये कि चलो मैं तो सिर्फ कंटेंट के एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ, उसमें और भी दूसरे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. तो तैयबा ने देख लिया, हाँ भाई गुड टू गो है. उसके बाद मैंने भी एक नज़र देख लिया, ठीक है, जिस पे उसने कुछ बोल दिया कि भाई इसमें मुझे थोड़े से ज़्यादा कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई भी. मैंने देखा, मैंने भी बोला हाँ यार ठीक है, तो उसमें कुछ कॉमेंट्स लिख दो और उसको वापस भेज दो. मैं भी बैठा हुआ उसके साथ और मैंने बैठ के उसके साथ एनालाइज करा. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंस कम दे रहा हूँ किसी को, इसका मतलब सिर्फ ये है कि चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरह से मैनेज हो रही हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रही हैं, ताकि मैं लोगों को रिप्लाई. अच्छा तो चलो ये अच्छी बात है कि तुमने मुझे बता दिया कि यू डोंट माइंड एग्जैक्टली कि देर से रिप्लाई मिल रहा है, बट यू एक्सपेक्ट कि मुझसे ही रिप्लाई मिले. वो चीज़ मेरी तरफ से मिलेगी. तुम लोग को जो डायरेक्ट कंसर्न है ना मैसेजेस वाले, जो तुम लोग बात कर रहे हो, वो तुम लोग करते रहो, मुझे मैसेजिंग करते रहो, मैसेजिंग से कोई नहीं रोक रहा, रिप्लाई मैं ही करूंगा पर्सनल कम्युनिकेशन पे, सही है? लेकिन बोलो बोलो, आप कंप्लीट कर लें. तो लेकिन जो दूसरे एरियाज हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा बेहतर तरह से मैनेज हो और मैं लोगों की हेल्प करा सकूँ डिलीवरेबल्स में, फॉर एग्जाम्पल मैंने तैयबा से बोला, मैंने तैयबा या जो है एक्सक्यूज मी मसूद से बोला, मैंने बोला यार क्या प्रोग्रेस है, सबने दे दिया काम? उसे बोला कि यार मेरे पास से तो 20 लोगों में से सिर्फ 5 काम आए हैं. अब वो जो 20 की लिस्ट थी जो उसके पास एक्सेल शीट बनी हुई थी मसूद के पास, उन 15 लोगों को मैं पिंग करूंगा और मैं पूछूंगा कि भाई प्लीज काम दे दो. मसूद भी एक बार पिंग करेगा कि यार आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस डेडलाइन तक निकल गई है, अब अभी भी दे दो. एक बार और पिंग करेंगे, भाई प्लीज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर वर्क, नहीं आया. Then they're out of that bucket. मैं फिर नहीं पीछे भागता, फिर आपकी मर्जी है, आप नहीं दे पा रहे. Probably मैं ये respect करता हूँ कि हो सकता है आपके लिए ज़्यादा दूसरी चीज़ें important हो, लेकिन जो लोग complete करके दे रहे हैं फिर मेरी priority उनकी तरफ होगी. अब तुम समझे ये वजह क्या है? जी जी. तुम समझ रहे हो? अब तुम एक consistently मुझे follow कर रहे हो, तो तुम जैसे कर रहे हो वैसे और भी लोग कर रहे हैं. मेरी प्रायोरिटी उनकी, ऐसा नहीं है कि नहीं है बाकियों की तरफ, मेरी प्रायोरिटी उनकी तरफ हमेशा ज्यादा होगी जो डिलीवरेबल्स दे रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं. और मेरा फिर मुझे दुख होगा अगर उनका गोल अचीव नहीं होता या वो बीच में से मैं उनका हाथ छोड़ दूं, क्योंकि जिन लोगों ने हाथ छोड़ दिया मैं उधर फोकस लेके बैठा हुआ हूं. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे नहीं पता, अगर मैं ऐसे ही लेके चलता रहूं तो मैं उन लोगों के ऊपर भी फोकस कर रहूंगा और अपनी सारी एफर्ट वहां पे मेरी ड्रेन हो रही होगी जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है. और वो मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल सा जवाब दे रहे हैं और मैं आई कैन ओनली हैंडल सो मेनी पीपल इन अ गिवन डे, सही है? बिकॉज देयर डीएस क्वेरीज कमिंग इन, देयर दीज क्वेरीज कमिंग इन. मेरे अंदर आदत है जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स होते हैं मैं कभी उनका हाथ भी नहीं छोड़ता, मैं उनको भी जवाब देता हूँ, लेकिन उनको ज्यादा लेट देता हूँ. क्यों? क्योंकि वो बैच से खत्म हो गए हैं मेरे. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आईडीएम, एक लंबे तवील अरसे मैंने आईडीएम और आईटीसी में जहाँ पे जिन लोगों को ट्रेन करा है, तो मैं उनकी भी हेल्प कर रहा होता हूँ. लेकिन बस मेरा ये होता है कि मैं जिनके साथ मैं अभी हूँ उनको पहले मैं प्रायोरिटी दे दूँ. समझ रहे हैं आपने? जी जी जी, आई गॉट योर पॉइंट. अच्छा, आपने ये वाली एक बात बोली थी जब आप सिखा रहे थे, आपने आई गेस वो जो आपने एक वेबसाइट दिखाई थी जिसके ऊपर आपने एक पीस ऑफ कंटेंट दिखाया था जो आपने कहा था कि मैंने खुद लिखा है, सही है? वो कंटेंट, मतलब मैं बेसिकली इन रिगार्ड टू बात कर रहा हूँ कंटेंट राइटर्स के, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो हायर करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली द रेट्स ऑन फाइवर इज, यू नो, वैसे तो ऑब्वियसली वो उनके हिसाब से तो उनकी नीड है और उनकी वर्थ है, ऑब्वियसली उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. एंड जो आपने ईसी के अंदर भी जो आपने बोला था कि वर्क
जो है वो ईसी के अंदर ही लोगों को दे दो. द पॉइंट वाज के ऑब्वियसली मैं किसी की जो किसी का कोई रेट है सही है, फॉर एग्जांपल इफ समवन इज चार्जिंग लाइक $1 पर वर्ड सही है, तो ऑब्वियसली वो एक डिसरिस्पेक्ट हो जाती है कि हम उनसे एक्सपेक्ट ये करें कि वो ईसी मेंबर्स को बिल्कुल ही सस्ते रेट्स के अंदर देते हैं. लेकिन ऑब्वियसली देन अगेन एवरीवन हैज अ बजट ऑल्सो. तो यू नो इन द पास्ट फ्यू डेज मैंने काफी सारे ये अपवर्क वगैरह के ऊपर डाल के, फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह के ऊपर डाल के मैंने तो क्या काफी सारे राइटर्स को जमा किया हुआ है डेटा सही है. तो द पॉइंट इज के मैं लिंक इसको उस बात से कर रहा हूँ कि आपने ये वाली बात बोली थी कि अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च टॉप ऑफ द लाइन है सही है तो कंटेंट उतना मैटर नहीं करता. नाउ अगेन उतना मैटर करने से मेरा सिर्फ यहाँ पे ये मुराद है कि ओके फाइन द ग्रामर थिंग यानी जो रीडेबल स्ट्रक्चर होता है एक चीज का, ग्रामर एंड द वर्डिंग्स एंड ऑल व्हिच आर यूज्ड सही है, दैट इज द क्वालिटी, वो तो इंश्योर होगी सही है. वो तो अगर कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि यार दिस इज माय सैंपल, वो आई कैन जज के भाई कंटेंट जो वो कितना क्वालिटी कंटेंट है. ऑब्वियसली अगर क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं है तो वो तो मैं भी लिख सकता हूँ सही है. तो वो चीज तो इंश्योर हो गई सही है. नाउ कम्स द टेक्निकलिटीज सही है. नाउ द टेक्निकलिटीज आर कि भाई एक एग्जांपल है, एक नॉर्मल राइटर है सही है जो नॉर्मल राइट कंटेंट लिख रहा है नेट के ऊपर सही है, लेकिन वो एफिलिएट कंटेंट नहीं लिख रहा है सही है. तो ही कैन बी यू नो उसको थोड़ी बहुत एडवाइस दी जा सकती है कि भाई थोड़ा पढ़ लो, कुछ उसको गाइड्स दी जा सकती है कि यार इस तरीके से, क्योंकि कोई भी जो रेगुलर राइटर है उसके लिए कॉन्टेंट स्ट्रक्चर करना किसी भी दूसरी फील्ड के लिए ज्यादा आसान है बनिस्बत ये कि मैं खुद लिखना शुरू कर दूं एकदम से एफिलिएट का कंटेंट. फिर दूसरी चीज ये कि ऑब्वियसली ये जो कीवर्ड डेंसिटी वगैरह जो है, अगर बिल्फर्स, अगर वैसे तो अमूमन राइटर्स को पता होता है, अगर बिल्फर्स कोई न्यू कमर है जिसकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है, जैसे आई नो अ पर्सन के जो थीसिस लिखती है राइट, अब ऑब्वियसली हर वोकैबुलरी हर राइटिंग स्किल्स एंड ऑल आर वेरी गुड सही है, लेकिन एक छोटी सी गाइडेंस की जरूरत होती है ऐसे लोगों को, लेकिन देयर रेट्स आर वेरी चीप. तो मैं सिर्फ इस मामले के ना थोड़ी आपके एडवाइस चाह रहा था, ये मैंने आपको फेसबुक पे मैसेज के अंदर भी लिखा हुआ है पूरा कि इसके ऊपर भी कुछ एडवाइस करें कि अगर हम उनको थोड़ी बहुत, और ये आपने बहुत अच्छी रिसोर्स दी जैसे आप कह रहे हैं तैयबा वगैरह जो है जो राइटिंग के अंदर एक्सपर्ट्स हैं सही है. दो आई हैव माय ओन ब्रदर हु हैज बीन इन दिस फील्ड फॉर लाइक 8 to 9 years, लेकिन ऑब्वियसली उसके तो खैर रेट्स भी बहुत आए हैं और फिर बिजी भी बहुत होता है. तो अब आपने इसी के अंदर ये तैयबा है जिनको हम राइटिंग कॉन्टेंट भी दिखा सकते हैं कि भाई ये सैंपल है, अगर हम इस राइटर के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, तो इफ ही अप्रूव्स देन वी कैन गो विद दैट राइटर. ओके तुम अपना ओके ठीक है. तुम्हारे असल में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे सही है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ. देखो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुमने बोला कि कंटेंट मेरा टीयर वन, मतलब इन अदर वर्ड्स उतना परफेक्ट अगर नहीं होता जैसे एक एफिलिएट मार्केटर का होता है, लेकिन अगर मेरी कीवर्ड रिसर्च अप टू द मार्क है तो क्या मैं उसको कॉम्पीट हेड ऑन दे सकता हूँ? तुम दे सकते हो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें वहां पे वो एज बाद में लेके जाएगा, लेकिन वो तुम लर्निंग के थ्रू बाद में उस हद तक पहुंच सकते हो उसके लेवल तक. मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, तुम जब हम ये सारी चीजें काम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे मैं तुम्हें ऐसे एक बात बता रहा हूँ मोहतशम, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ठीक है. वो क्या चीजें हैं जैसे कि एक एफिलिएट मार्केटर को ज्यादा पता होंगी या एफिलिएट राइटर को ज्यादा पता होंगी कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल कि उसको ये पता होगा कि उसको अपना एंकर टेक्स्ट किन किन जगहों पे जाना है डालना है जहां पे क्लिक थ्रू रेट के चांसेस ज्यादा होंगे, जहां कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होंगे. समझ रहे मेरी बात? एक बात. दूसरी बात, ही विल मेक श्योर कि वो अपने कंटेंट से एकदम दूर नहीं चला जाएगा, वो उसी के बारे में बात करेगा ओरिजिनली. और फिर और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है ना, जो मैंने अपने कंटेंट राइटर्स को देखा है इन द पास्ट, कि इन एफिलिएट राइटर्स को पता होता है कि इनको अपना बेहतर कन्वर्जन करवाने के लिए उस पेज पे कहां कहां जो है एंकर टेक्स्ट डालना है कि क्लिक थ्रू रेट बढ़े और कन्वर्जन आए. मतलब कंटेंट तुम्हारा उसके बराबर हो सकता है, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती हैं कुछ चीजें, ये जिसमें वो लोग एज ले जाते हैं. वो ऐसी चीजें हैं जो तुम विद टाइम सीख लोगे. फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अल्लाह करे अभी चल जाए तो मैं तुम लोग को बताऊं. एक मिनट रुकना.
एक ये पहले साइट पूरी लोड हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरे पास गूगल एनालिटिक्स का जो है ना वो है, ओह शिट मैंने शेयर नहीं करा, मैं शेयर कर रहा हूं उनको। ये गूगल एनालिटिक्स का मेरे पास क्रोम एक्सटेंशन है, इसमें मैं हीट मैप ऑन कर रहा हूं। ये हीट मैप मुझे ये बता रहा है कि जहां पे लाल आ रहा है वहां पे सबसे ज्यादा क्लिक थ्रू रेट है, और जहां ग्रीन आ रहे हैं वहां पे सबसे कम है। देख सकते हो यहां पे 2.5, इस पिक्चर के ऊपर 2.5% क्लिक थ्रू रेट है। ये चीजें तो मैं नहीं बताऊंगी अभी फिलहाल, मैंने बता दी ना तुम्हें, लेकिन इससे पहले शायद तुम्हें ना पता हो। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक कंटेंट राइटर जो है अपने आप को वो सीख सीख के, इस तरह की चीजों को देख देख के, समझ समझ के, हीट मैप्स को समझ के कि कहाँ पे कस्टमर का बिहेवियर सबसे ज्यादा जो है वो ऐसा है जहां पे वो एक्शन ले रहे, उन चीजों को फिर वो देख के अपनी वर्डिंग्स, जैसे सपोज यहाँ पे इमेज है ये 2.8% है, तो वो इससे रिलेटेड ये जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्स्ट जो है थोड़ा सा अमेंड करके, लोगों का बिहेवियर देखने के बाद अमेंड करके यहाँ पे टेक्स्ट लिख देगा इस तरह कि आप उसको, उसकी वजह से जो है ना आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा। तो जिस तरह आपका ये है उसी तरह कंटेंट राइटिंग में भी इस तरह की हीट मैप्स यूज होते हैं, जिसको एक बहुत जो मशहूर है दुनिया का सबसे बड़ा, जिसका ओनर वो है नील पटेल, जिसका नाम है क्रेजी एग। आप इसके कोड को जो है ना अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हो एंड यू आर एबल टू सी, मतलब इनसेनली आप ये इन डेप्थ देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट पे अभी क्या हुआ हुआ है, कौन कहाँ क्लिक कर रहा है और कहाँ सबसे ज्यादा कन्वर्जन आ रही है, एंड देन यू कैन ऑप्टिमाइज इट फर्दर मोर टू सी द रिजल्ट्स। स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हो आप बेसिकली। तो आई होप यू गेट वो वाला पॉइंट जो मैंने बताया था। ये सही है, तो मतलब इन शॉर्ट बेसिकली व्हाट आई विल डू इज आई विल गैदर पीपल हु हैव रिटन कंटेंट राइटिंग रिगार्डिंग एफिलिएट मार्केटिंग, सही है, और उनके जो भी सैंपल्स होंगे वो मैं तैयबा से शेयर कर सकता हूँ ताकि वो evaluate करके बता दें कि ये बंदे के पास you know he knows what to do. Yeah. Okay. So, okay. Yeah. Exactly. ऐसे ही है. Okay. Thank you very much. अच्छा. Okay. चलो ठीक. एक मिनट. चलो गाइज, अब हम लोग जरा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज काफी सारे लोग हैं लाइन में और वसीम भाई सबसे आखिर में तो जल्दी जल्दी करते, कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है, एक एक सवाल प्लीज। जी अस्का। अस्सलाम वालेकुम सर। फर्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि मैंने अभी तक आपके सारे सेशंस अटेंड किए हैं, बस लास्ट वाला मेरा मिस हो गया था, तो ये जो आपने 20 लोग सिलेक्ट कर लिए हैं मैं कैसे इसमें आ सकती हूँ, मुझे पता नहीं चला आपने कैसे सिलेक्ट किया सर, मतलब अब मेरा चांस खत्म हो गया, मैं एफिलिएट में नहीं 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 तुम समझी नहीं, तुम बात नहीं समझी, सब हैं भाई, सब हैं एफिलिएट में, जितने लोग आना चाहते हैं, जितने एनरोलमेंट्स आएंगी वो सब हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, सब सबके सब हैं इन, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जैसे कि मैं कल परसों में एक शीट शेयर करूंगा तुम्हें समझ आ जाएगा, मुझे लगता है शायद तुमने मेरी पिछली एक दो क्लासेस मिस तो नहीं करी सर, सिर्फ लास्ट की है, बाकी तो मैं आपके हाँ, सारे तो शायद तुमने मिस आउट कर दिया, इसी वजह से तुम ये बोल रही हो, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, तुम अगर देख लोगी ना तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, सब हैं कोई मसला नहीं है तुमको, मैंने बेसिकली सबसे ये बोला था, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मैंने बोला था क्लैरिटी मेरे रखने के लिए तुम लोग, मैं तीन मॉड्यूल्स पढ़ा रहा, एक किंडल है मुझे पता है उस पे सवाल, उस पे कुछ लोगों ने बोला था कि सर किंडल तो अभी आपने स्टार्ट नहीं करा तो हम उस पे अपनी प्रायोरिटी कैसे दे दें, तो मैंने बोला टेंटेटिव होगा, कुछ कंफर्म नहीं होगा, टेंटेटिव होगा, 1, 2, 3 में प्रायोरिटी तुम लोग सबको वन प्रायोरिटी पे नहीं रखो, तुम लोग के लिए नुकसान है अगर तुम लोग सब कुछ वन पे रखोगे, प्रायोरिटी सेट कर दो, नंबर वन पे तुम्हारी क्या है एफिलिएट है, नंबर टू पे क्या है ड्रॉप शिपिंग है, नंबर थ्री पे क्या है किंडल है फॉर एग्जाम्पल, तो ये प्रायोरिटी दे दो, जब प्रायोरिटी दोगे तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं दो वालों को इनकरेज नहीं करूंगा, मैं फिर समझा रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे समझने के लिए कि अगर तुमने जिसने दो पे रखा हुआ है Amazon Associates को और वन पे DS पे रखा हुआ है तो हाँ पहले कम्युनिकेशन वाली प्रायोरिटी मैं उसको दूंगा, कम्युनिकेट मैं सबसे करूंगा
लेकिन पहले मैं उसको करूंगा क्योंकि उसने अपना जो इनकम स्ट्रीम है उसने ये बोला हुआ है कि यार मुझे पहले यहां से कमा के मुझे कमाना है, समझ रहे हो? आई होप यू अंडरस्टैंड. सब yes, सब लोग इन्हें बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल कि मैं ये बोलूं कि नहीं यार मतलब 20 ही लोग हैं बस बाकी, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता है. इसी वाले मेरा गिरफ्तार पकड़ लेंगे, क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, तो आई होप सर मैंने एमफिल किया हुआ इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी में, और मेरा 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है राइटिंग का, और उसके बाद फिर मैंने रिसर्च पेपर्स भी राइटिंग के लिए वो स्टार्ट कर दिए थे. अब सर मैं इस फील्ड में आना चाह रही थी एफिलिएट में, तो आप मुझे आपने कहा था कि 15 आर्टिकल्स आपके रेडी होने चाहिए बिफोर लॉन्चिंग, तो 100 पेजेस वाली मुझे बात नहीं समझ आई कि 100 पेजेस कैसे वेबसाइट के कम्प्लीट करने हैं. तुम मेरे लास्ट सेशन देखो तुम्हें समझ आ जाएगा. ठीक है ठीक है, तुम लास्ट सेशन देखो, नहीं समझ आता तो क्वेश्चन लिख दो, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा उसका. और थर्डली सर मैं आजकल एक किंडल बुक राइट कर रही हूँ, और वैसे भी मेरा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस राइटिंग का, तो जो किंडल का पीएम आपने चूज करना है उसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब मैं उसके लिए बता दूंगा, मैं एक पूरी वो शीट दे दूंगा उस पे सब लोग लिख देंगे. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ. ठीक है, और थर्डली सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं पार्ट टाइम इनकम को कंटिन्यू करना चाह रही, तो मेरे लिए नीश की वो वेबसाइट में चूज करूं कि वन प्रोडक्ट की चूज करूं? तुम ड्रॉप शिपिंग की बात कर रही हो? ये हाँ जी, ड्रॉप शिपिंग में ये अभी मैं इसके ऊपर ये तुमने मेरे ख्याल से इसका भी लास्ट सेशन नहीं लिया, तुम बेहतर है कि तुम इसका भी लास्ट सेशन ले लो. मैंने उसका भी पूरा आइडिया दे दिया, मैंने सबको बता दिया था और सबको क्लैरिटी मिल गई थी कि उनको सिंगल प्रोडक्ट पे जाना है या मल्टीपल पे. ठीक है, ठीक हो गया. उसमें तो वो आपने तीन कॉलम्स में बताया था ना डिफरेंस उसका. हाँ, तो अब उसको वो बताया इस वजह से थे ताकि तुम लोग सिलेक्शन कर लो. अब प्लीज मैं मुझे लेट नहीं हो रहे, बाकी लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि मैं रुका हुआ हूँ, सबको एक एक सवाल पूछना है ना. चलिए थैंक यू सो मच. ओके जी उस्मान, प्लीज एक सवाल यार. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मोइज भाई बस वो पूछना था, आपसे साइट अपनी डिस्कस की थी ना, तो मैं किस तरह लेके चलूं उसको फिर? डू आई एंटर द डिटेल्स इन द शीट एज वेल, या क्योंकि मैं तो मेरी तो सेटअप है ऑलरेडी. तो मुझे सर प्राइवेटली अपनी निश बताओ मुझे, क्योंकि तीन चार लोगों ने जो है ना अपनी काफी अच्छी साइट्स मुझे दी हैं. मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे तीन चार अच्छे से याद है, वो मैंने सारी साइट्स चेक करी हैं. एग्जैक्टली याद आ गया मुझे, याद आ गया, मैं यही बोलने वाला था. तो तो मैं इसको लेके चलना है ना, बिकॉज मैं देखा था तुमने काफी अच्छा काम करा हुआ है इसको, तुम कर सकते हो. जी जी बिल्कुल, मैं इसको बस टॉप पे लाके ना, आई जस्ट वांट टू फ्लिप इट ऑफ. ठीक है, मैं फिर तुमको ना इसके ऊपर तुम्हारा जो अभी काम थोड़ा, अभी तुम रुक जाओ, अगर तुम थोड़ा सा वेट कर सकते हो ताकि सब लोग सेम पेज पे आ जाएं, अगर इफ दैट्स ओके विद यू. ठीक है, और फिर मैं जो ठीक है, और फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ. जबरदस्त, थैंक यू सो मच. ठीक है, गाइस एक मिनट रुकना. अच्छा ओके. एक सवाल प्लीज, वेक्स आईफोन. गाय हेलो, शायद अभी है नहीं है. जी सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मैंने पूछना था, ये उबर सजेस्ट का ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं ये अच्छा टूल है, कुछ कहते हैं नहीं, तो इससे आप कुछ बता दें. ये फ्री नहीं, नहीं उबर सजेस्ट बहुत अच्छा टूल है, उबर सजेस्ट बहुत अच्छा टूल है, वहां से भी आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है. आपको अभी तो निश के लिए करनी है ना आपको, तो निश के लिए तो आप कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हो, मैंने तरीका बताया था. एक चीज, दूसरी चीज, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे. आपको फिर अपने कॉम्पिटिटर के लिस्ट निकालनी है, वो आप सिमिलर वेब से भी निकाल सकते हो.
उसके अलावा आप अपने मेन कीवर्ड्स लिखोगे सर्च बार पे तो उसके अलावा भी आपको कीवर्ड मतलब मिल जाएंगे. Yes, definitely. आप एक और है मैंने सुना है, मैंने यूज खुद नहीं किया लेकिन मैं सुना है एक बहुत सस्ता टूल है कीवर्ड रिवीलर. कीवर्ड रिवीलर मैं सुना है, हाँ मैंने सुना है ये काफी इकोनॉमिकल है एंड अभी आई थिंक इसका फ्री वर्जन भी है तो फ्री भी आप लोग यूज करके देख सकते हो. ठीक है फिर ये भी चेक कर लो एक बार, इसका फ्री वर्जन भी है ना तो फ्री पे चेक कर लो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है डेली सर्चेस 3 आएंगी. कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स सर इसमें हम 10 हाँ एग्जैक्टली ये देखो ये बेसिक जो है $10 में आ रहा है जिसमें कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स भी आपको देगा लेकिन आई थिंक किसी एक कॉम्पिटिटर का ही देगा ऑन डेली. आई थिंक ऑन डेली बेसिस या डेली बेसिस. ठीक है तो बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है कि हम खुद से चेक कर सकें टूल बिटवीन द टूल्स के व्हिच वन इज मोर एक्यूरेट. Ahrefs इज हैंड्स डाउन द बेस्ट. Ahrefs और SEMrush से ऊपर मेरा नहीं ख्याल मतलब इसके टक्कर पे बहुत सारे keywordtool.io है. keywordtool.io की बात करूं keyword.io की बात नहीं कर रहा. कीवर्ड ऐसे ही कुछ नाम है उसका keywordtool.io या पता नहीं keywordtool.com ऐसे कुछ नाम है. Uber suggest का भी आई थिंक प्रीमियम वर्जन है वो भी बहुत अच्छा होगा नो डाउट. बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन Ahrefs हैज बीन नंबर वन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. Ahrefs के लिए लोग क्रेव करते हैं तो मैं तो उसको ही जरा वोट करूंगा. सर अगर वर्डप्रेस पे जैसे आपने बताया कि एफिलिएट ब्लॉग प्लस ड्रॉप शिपिंग का कर लिया जाए तो उसमें इज दैट बेस्ट वेस. मैं आपको बताता हूँ. अच्छा तो करना चाहे इंसान कुछ भी कर सकता है जी. लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप अपनी एफिलिएट साइट के ऊपर आप चाहें तो आप तो क्लिकबैंक के भी प्रोडक्ट्स लगा सकते हो. चलो वो फिर भी सोचा जा सकता है. आप एडसेंस भी लगा सकते हो लेकिन द पर्पस गेट्स किल्ड. आप लगा सकते हो मैंने फिर बोला आप क्लिकबैंक भी प्रमोट कर सकते हो लेकिन द पर्पस इटसेल्फ गेट्स किल्ड ऑफ के आप उसको अमेज़न एसोसिएट्स की तरफ स्पेसिफिकली लेके चलना चाह रहे हो. मेरा इस पे क्वेश्चन मेरा आंसर क्या है इस पे जी जी. आप लोग सबको है ये मैं सिर्फ साथ को जवाब नहीं रहा सबको दे रहा हूँ. जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जब साइट खड़ी हो जाएगी तो जब मशहूर हो जाऊंगा मैं तो फिर मैं ये भी करूंगा तो वो भी करूंगा तो जब आएगा ना टाइम तो स्प्लिट टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि रिस्पॉन्स कैसा है. अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो आप मत कीजिएगा. सही है तो ये जी जी चले सही. ओके ओके सर थैंक यू सो मच. जी नोमान जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी. मोहित भाई मैंने आपसे ये कहना था कि आज मेरा फर्स्ट डे है इसको तो मुझे तो आपको पता है कितनी समझ आई होगी इसकी. दूसरा ये है कि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ और मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ ट्रेडिंग का. अच्छा जबरदस्त मच. तो दूसरा ये है उसमें मैंने आप फॉरेक्स पे कर रहे हो ट्रेडिंग? सॉरी आप क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी मैं ट्रेडिंग का बिजनेस है दुबई में. ओके ओके जी. तो दूसरा ये है कि वेबसाइट वगैरह आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मैं यूज हूँ इन चीज़ों का तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर लें कि मैं कैसे चलूँ. मैं आपको यही बोलूँगा नुमान कि आप फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो. हमारे ये कोई चौथा पांचवा लेक्चर है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं. आप सारे लेक्चर्स देखने होंगे आपको ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हम कहाँ पे हैं अभी तो फिर आपको भी समझ आ जाएगा सब कुछ. ठीक है. तो दूसरा ये है कि आप मेरे ख्याल से भी वेबसाइट के उसका कुछ बता रहे हैं उसकी बिल्डिंग का. वो नहीं नहीं अभी उधर नहीं आया हूँ मैं. आया ही नहीं हूँ मैं उधर. मैं अभी उस जगह पर हूँ. मेरा जो नेक्स्ट सेशन है वो हार्ड कोर SEO के ऊपर स्टार्ट होगा. अभी मैं जो हूँ मैं उस SEO मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी ये जो आप करवा रहे हैं ये इसका Amazon सेलिंग से क्या लिंक होता है ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो. Amazon PL से इसका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है. इनडायरेक्ट लिंक ऐसे है कि अगर आपकी आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो
आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, आपकी आईटी यूएस की होगी या कहीं और की होगी, अमेजोन की, आप यहाँ से बैठ के जो है ना अपना अमेजोन एसोसिएट्स का अकाउंट चला सकते हो क्योंकि वो अलाउड है, आप अपना पेयोनीर भी लगा सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो और आप अपने ये एसेट जो है अमेजोन एसोसिएट्स का, इसको आप खड़ा कर सकते हो अपने अमेजोन पीएल के अराउंड और उसको जो है ना एक सेल्स वाला एस्पेक्ट दे सकते हो कि थोड़ा बहुत सेल्स दे दो एसईओ पे रैंक करने के बाद। बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग शॉट, इसका मेन पर्पस ये नहीं है इस कोर्स का। इस कोर्स का मेन पर्पस ये है कि मैं आप लोग का, सनी भाई ने जो बोला है $500 वाला किचन इनकम का गोल पूरा करवाऊं, मेरा फोकस उस तरफ है। अब वो किस तरह भी, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स मंथ ऑन मंथ कंसिस्टेंट या फ्लिपिंग के थ्रू, दैट डिपेंड्स। ठीक है, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे लिए अभी आगे मैं आपके नेक्स्ट कोर्सेज जो भी आएंगे वो मैं उस पर कंसंट्रेट करूँ, क्योंकि ये तो मुझे उनकी वेबसाइट तो मुझे सब उसका आइडिया है और मैं सेलिंग कर रहा हूँ, मेरा पीएल एफबीए की तरफ ज़्यादा माइंड है, तो अगर इसका लिंक नहीं है तो ये मैं स्किप कर सकता हूँ थोड़ा। आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं पीएल, पीएल से इसका, मैं पीएल से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। जी जी चले ठीक है, यही क्वेश्चन था। जी तलाल, हेलो, हाँ, अच्छा, मुझे ये पूछना था कि अभी ओवरऑल जो है अमेज़न के हवाले से हमारा पीएल भी जो है सॉर्ट ऑफ डाउन जा रहा है, होलसेल का बिजनेस भी फॉरसीएबल फ्यूचर के अंदर को इतनी जल्दी सेट होता हुआ नहीं दिख रहा, ओवरऑल अमेज़न की सेल्स तो डाउन है और एफिलिएट मार्केटिंग ये अमेज़न की जो है इंटायरली डिपेंडेंट इस चीज़ के ऊपर है कि ओवरऑल अमेज़न के ऊपर बिजनेस कैसा हो रहा है। तो काइंडली सनी भाई वगैरह से या सीनियर से ये कंफर्म करके हम लोग को बता दें कि इस वक्त हमें एफिलिएट के अंदर अगर हम चले जाते हैं तो क्या पोटेंशियल है इसके अंदर, क्योंकि ओवरऑल सेल्स तो आई नहीं रही है, हर चीज़ तो डाउन हुई हुई है, सिर्फ एसेंशियल चीज़ें चल रही हैं। हेलो हेलो, आपको आवाज आई, मैंने क्वेश्चन आप, पूछा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे आ रही है। जी जी हाँ, अच्छा मैं दोबारा पूछूं क्वेश्चन? हाँ रिपीट कर दें। अच्छा क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल इस वक्त प्राइवेट लेवल का जो है वो भी डाउन हुआ हुआ है, होलसेल भी डाउन हुआ है, ऑलमोस्ट ये पूरा साल खराब ही हम लोगों का गुजरना है अमेज़न के ऊपर, और एफिलिएट मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है, जो मेन जो हम अर्न करेंगे वो तो इसी सूरत में करेंगे कि अमेज़न के ऊपर सेल्स कितनी हो रही हैं। जब इस वक्त अमेज़न चला ही सिर्फ एसेंशियल आइटम्स को रहा है और पूरे साल तक कोई ऐसा लग भी नहीं रहा कि अमेज़न जो है वो ऑन ट्रैक आ भी जाएगा, तो अभी हम अगर एफिलिएट शुरू कर भी देते हैं तो उसकी अगर 6-7, 4 या 5 महीने के अंदर अगर हम चले भी जाते हैं तो ओवरऑल तो पोटेंशियल उसका दिख ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि कोई सेल्स होंगी नहीं किसी कैटेगरी में। तो काइंडली जरा अगर आपने, आपको अगर नहीं अंदाजा तो सनी भाई से ये डिस्कस कर लें और हम सबको क्लियर करते हैं, क्योंकि ये हम जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वो इंटायरली डिपेंडेंट ही इसी चीज के ऊपर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये तो कोई भी नहीं डिटरमिन कर सकता, अपेरेंटली मुझे भी लगता है ये काफी लंबा सीन लग रहा है, लेकिन देन अगेन आप सही कह रहे हो कि मैं भी कौन होता हूँ कहने वाला कि कल को अमेज़न की सेल्स आना शुरू हो जाएंगी बिकॉज अमेज़न चल पड़ेगा, वापस से ऑन ट्रैक आ जाएगा। वी डोंट नो कि ये क्राइसिस अनफॉर्चुनेटली कितना लंबा है, कब तक चलेगा। फॉरसीएबल फ्यूचर तो सब लोग यही देख रहे हैं कि अब यूएस में कह रहे हैं कि 2-3 महीने में जो है चीजें सेटल होना शुरू होंगी, वो 3-4 महीने उनके सेटल होने में हमारे 6 महीने लग जाएंगे, ये साल तो पूरा गया ही गया हम लोगों का, पीएल वालों का, एटलीस्ट पीएल या होलसेल वालों का। तो जैसे हमारे लिए खराब है वैसी बाकी दुनिया के लिए भी अमेज़न खराब हुआ हुआ है, तो हम लोग अगर करते भी हैं तो जब सेल्स ही नहीं होंगी अमेज़न के ऊपर तो एफिलिएट के ऊपर काम करके हमें मिलेगा क्या, मैं इससे ये पूछना चाह रहा हूँ। ये मैं फिर इसी के सामने रख देता हूँ, बिकॉज यू आर राइट, अभी अगर अमेज़न के ऊपर सेल्स नहीं आ रही एंड अगर तुम लोग को वाकई ऐसा लगता है, विच इज फाइन ऑब्वियसली, कि इतना टाइम लगेगा तो मेक सेंस, बिकॉज मैं इस बारे में तुम लोग को क्या कह सकता हूँ कि भाई अमेज़न की सेल्स कब ऑन होंगी, ये मेरा एरिया नहीं है ना। Exactly, तो इसलिए मैंने कहा कि आप सनी भाई से पूछो ये। हाँ तो ठीक है, मैं तुम लोग को इसके ऊपर जो है ना एक इस इशू के ऊपर जो है ना एक वर्डिक्ट दिलवा देता हूँ, वो अपना जो है ना इसके ऊपर से बता देंगे और मैं वो चीज तुम लोग को बता दूंगा पर्सनली। अच्छा, सेम यही क्वेश्चन ना,
उसके लिए शॉपिफाई के लिए भी है और सेम ये क्वेश्चन। अच्छा साधिया सिंह, साधिया सिंह सुनो, साधिया कह रही है कि सनी भाई ने आप लोग को जवाब दे दिया इसके ऊपर। नहीं 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 नहीं, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, वो डिफरेंट है, वो ओवरऑल है कि वो अपने पीएल लॉन्च करने के लिए है, लेकिन ये तो ओवरऑल कंडीशन ही ऐसी है इस वक्त अमेजोन की मार्केट की कि हर चीज डाउन हुई हुई है और फोर्सिएबल फ्यूचर यही है कि इतने जल्दी ये जो है सेटल नहीं होना। अच्छा तो ये सेम मुइज ये क्वेश्चन जो है ना हमारा फिर शॉपिफाई के लिए भी है, क्या हम शॉपिफाई की अगर जाते हैं तो क्या वो सेटल होता है? देखो शॉपिफाई का मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ रिगार्डिंग शॉपिफाई। जाहिर सी बात है अमेजोन एसोसिएट्स आप ई कॉमर्स तो नहीं बोलोगे ना, दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अमेजोन पीएल और होलसेल क्या है, दैट इज ई कॉमर्स। तो मैंने सब बताया तभी तुम लोगों को मैंने अपना जो है ना से बता दिया कि मुझे नहीं पता उस एरिया का। Shopify dropshipping में मैं अभी इस टाइम पे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ who are scoring sales। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग crazy profitable हैं, वो लोग okay चल रहे हैं, okay चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो बहुत सेल्स भी कर रहे हैं लेकिन वो बहुत कम लोग हैं, बहुत ज्यादा मतलब पहले जो अगर ले सपोज 5% थे तो वो उठ के अब 1% से भी कम हो गए, ठीक है। तो मैं तुमने जब ये बात बोली मैं इसलिए चुप हुआ, क्यों? क्योंकि मैं कह ही नहीं सकता ना अमेजोन के बारे में कुछ भी, बिकॉज मैं पीएल और होलसेल का नहीं जानता, मैं इस एरिया को जानता हूँ तभी मैं एजुकेट कर रहा हूँ। दूसरी बात मतलब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, बीच में कोई बात हो रही थी किसी ग्रुप में तो किसी ने ये बात बोली थी कि इवन जो हमारे तुम्हें पता होगा कि ईसी के जो ट्रेनर्स हैं वो खुद भी पीएल के इन्वेस्टर्स भी हैं, है ना। तो कोई बात चल रही थी तो उस पर यही बात आ रही थी कि भाई At least we have to get our homework done. सही है? मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग associates में आओ, मैं तभी मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि it's best to choose your priority now, then बाद में, ठीक है? तो उसमें ये है कि I don't know कि तुम लोग के लिए कितना जरूरी है to get everything ready even for PL or wholesale or whatever that is, सही है? But it is entirely up to you, and if you think that this would won't be a good time to go with associate then maybe go with Shopify. But मैं कह नहीं सकता यहाँ पे ऐसे बैठे हुए जब तक मैं तुम लोग का इसके ऊपर जो है ना properly कुछ like काम नहीं करवाता, because I've seen some figures कुछ अपने network में, मैंने तुम लोग को बताया I was into Amazon associates अपने friends के groups के साथ and we were doing well कि उस वक्त time में जिस वक्त दूर दूर तक ना कोरोना वायरस था ना कुछ था, अभी हम लोग ने अपने assets जो है बेचे हुए हैं। So I have my friends in my circle who are doing it. Towards they are saying बहुत बुरी तरह से affect हुआ है, बिल्कुल हुआ है, but who knows maybe कल को ये कब चल पड़े नहीं चल पड़े या क्या हो। अभी तो मुझे USA अभी तो USA में शुरू हुआ है, अभी तो खुदा ना खासा बहुत ही लंबा जाना है। अच्छा बस ये main question ये था और हमारे मोहतशिम भैया का एक question रह गया था, वो ये पूछ रहा था कि जो ना क्या सब लोग जो है different keywords के ऊपर काम करेंगे या नहीं। Obviously, सब लोग different keyword के ऊपर काम करेंगे। मैं तुम लोग को same keyword के ऊपर नहीं करूँगा। मेरे पास जो था ना बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारे लोग आए जो same niche के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं उनको same के ऊपर नहीं काम करने दूंगा, because it won't be of any use कि सब लोग मिलके जो है ना एक ही जगह एक ही keyword के ऊपर एक दूसरे से compete कर रहे हो, doesn't make any sense। ठीक है, exactly, जी जी, thank you, no problem। जी जैन, अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। जी मैम, सलाम जी मोहित भाई, मेरे क्विक दो तीन सवाल हैं। हम केजीआर मेथड को यूज करेंगे फॉर कीवर्ड की कॉम्पिटिटिवनेस देखने के लिए, एक ये सवाल है। दूसरा ये है कि कितनी परसेंटेज हमारी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशनल कंटेंट से रिलेटेड होगी और कितनी हमारी बाइंग रिलेटेड कीवर्ड से रिलेटेड होगी। तुम लोग की एटलीस्ट 100 कंटेंट पीसेस होंगे जो कि प्योर बायर इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर होंगे, एटलीस्ट 100, 50 से लेके 100 डिपेंडिंग है तुम लोग किस निश में जा रहे हो, लेकिन 50 से कम नहीं हो सकते, 100 से ज्यादा जरूर हो सकते हैं। एक बात, दूसरी बात तुम्हारा पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था मेरा कि कीवर्ड गोल्डन रेशियो से हम नॉर्मली चेक कर रहे होते हैं ना कि कीवर्ड कितना कॉम्पिटिटिव है, तो ये चेक करेंगे हम एक एक कीवर्ड के ऊपर और उसको बिल्कुल हर एक कीवर्ड को चेक करेंगे कि हम
वो कीवर्ड कितना मुश्किल है उस पे, और फिर मैं तुम लोग को बता दूंगा कि तुम लोग की टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए या बॉटम अप, मोस्ट केसेस में बॉटम अप होगी जहाँ पे तुम लोग लो कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट करोगे और फिर तुम लोग हायर कीवर्ड्स की तरफ जाते रहोगे एज टाइम गोज ऑन। और दूसरा ये कि अगर कोई बहुत एग्रेसिव जाना चाहता है और वो बोलता है नहीं मुझे अपने हाई कीवर्ड डिफिकल्टी हाई की तरफ से स्टार्ट करना है, तो फिर मैं उसको बोलूंगा भाई टॉप डाउन चले जाओ, सही है, ऊपर से स्टार्ट करो फिर नीचे बिल्डअप करते जाओ, लेकिन मैं सबको सजेस्ट ये करूंगा कि बॉटम अप जाएं। सही है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी अरसलान, ऊप्स नहीं अरसलान नहीं, जी उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वो मैंने आपको वेबसाइट अपनी दिखाई थी, निच बताई थी, वो पहले जो थी वो अथॉरिटी वेबसाइट थी, फिर मैंने उसको चेंज करके निच कर लिया था, तो आपने कहा था कि वो ठीक है, गुड टू गो, तो अब मैं उसको कंटिन्यू करूँ? अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये लिस्ट वगैरह बना के देनी है, तो वो भी बना के भेजूं मैं दोबारा से? हाँ, लेकिन एक दो निशेज और सेलेक्ट कर लो, मैंने बताया था ना। नहीं सर, ऐसा नहीं कहा था, मैं आपको निच भेज नहीं, तो मैं नहीं बोला था, तो मैं नहीं बोला था, मैं बोल रहा हूँ तुम सबको कहा था। अच्छा अच्छा सर, ये काइंडली मैसेज देख लें। ये था मेरा, मैं वेबसाइट तो स्टार्ट कर चुका हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो ठीक है, गुड टू गो, मतलब ये कोई ज्यादा कम्पिटिटिव तो नहीं है? नहीं। अच्छा, और सर लेकिन मेरा, मैंने जो है वो कंप्यूटर वेबसाइट्स जो थी वो तकरीबन 40 प्लस गैदर की हुई है, मैंने सिमिलर वेब एलेक्सा यूज किया था, तो हम कितनी मतलब कंप्यूटर वेबसाइट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो वो तो मैंने शॉर्ट लिस्ट करके उनके थोड़े थोड़े कीवर्ड्स निकाल के रखे हुए। असल में तो तुमने करना यही है कि तुमने 5 कंपटीटर्स को उठाने और तुमने उनको बस अपने पास रखना है। मैं बताता हूँ कि मैंने एसईओ के ऊपर काम करा हुआ है, और भी यहाँ पे माशाल्लाह कुछ लोग हैं जिन्होंने एसईओ पे काम करा हुआ है, उसके अलावा मैंने इसी तरह उस पर भी काम करा है फाइवर पे, रैंकिंग पे, तो मुझे खुद पर्सनली बहुत मजा आता है जब मैं रैंकिंग में किसी भी तरह की रैंकिंग में अपने आप को ऊपर लेके आता हूँ और इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें टेस्ट करता रहता हूँ। तो ये जो रैंकिंग का चक्कर होता है ना, इसका डायरेक्टली जो आपका ताल्लुक एक और चीज से होता है, वो ये होता है कि आपकी रिसर्च कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपकी रिसर्च कॉम्पिटिटर के ऊपर वीक होती है ना, तो आप भले अपनी सिर्फ कीवर्ड रिसर्च भी कर लो, मतलब कीवर्ड रिसर्च भी तो तुम लोग कॉम्पिटिटर के ऊपर ही कर रहे होगे ना, तो अगर तुम लोग सिर्फ अपनी रिसर्च करके बैठ जाओ ना, तो वो सफिशिएंट नहीं है, तुम लोग को कॉम्पिटिटर के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो ये और सर कंपटीटर को सेलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया है, लाइक ग्लोबल रैंक वगैरह जो होता है, वो कोई रेंज हो जिसके अंदर हम कंपटीटर की वेबसाइट को देखें? तुम लोग ये कर सकते हो कि तुम लोग के कीवर्ड के ऊपर आई एम श्योर 2 अथॉरिटी साइट्स आई भी होंगी, 3 निश स्पेसिफिक आई भी होंगी, तीनों को लेकर, तीनों और भी बहुत सारी आई भी होंगी, लेकिन मैं बोलूंगा 2 अथॉरिटी या 1 अथॉरिटी को ले लो या 2 अथॉरिटी को ले लो, बाकी 3-4 निश वाली ले लो, तो इस तरह बाइफिकेट कर लो। ठीक, और अथॉरिटी से हमने स्पेसिफिकली अपने निच वाले वर्ड्स निकाल लेने हैं? हाँ, ठीक है सर, तो यही क्वेश्चन सर। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो जी, हेलो जी सर, मैं ये पूछना था जो नीच अगर आपने सेलेक्ट करके हमने फाइल बना के आपने वो ग्रुप में शेयर करेंगे कि हम मैंने किसको भेजनी है, कुछ पीएम को भेजनी है? गाइस आई एम सॉरी, मैं और सवाल नहीं लूंगा, मैं अरसलान से और लूंगा, लेकिन अरसलान आपका ना माइक लगा हुआ नहीं है, मैं आपको अनम्यूट कर भी नहीं सकता, ठीक है? तो और वजात मैं आपसे सवाल नहीं लूंगा प्लीज, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, मैंने सोच लिया था कि मैं इतनी ही लिस्ट से लूंगा, आई एम सॉरी, मैं और सवाल नहीं लूंगा, थैंक यू, थैंक यू। And yeah, so हाँ जी बोले, अब आप अपना सवाल बताएं। मैंने वही पूछना था, ये जो नीच सेलेक्ट करके हमने भेजनी है, वो आप ग्रुप में बताएंगे कि मैंने किस स्पेसिफिक पीएम को भेजनी है ये वो? मैं आपको बता दूंगा, ये इंशाल्लाह आपको कल परसों तक पता चल जाएगा। सही, और सर कितनी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम नीच होनी चाहिए? 5 से 7, आप बस सेलेक्ट करके रख लो, 5 से 7, 20 सेलेक्ट करो, 20 में से शॉर्ट लिस्ट करके 5-7 सेलेक्ट करो, 20 तो फौरन ही सेलेक्ट कर लो ना, मतलब ये नहीं है कि 20 के ऊपर टाइम लगाना है बकायदा, 20 आपके ख्याल से जो भी हैं
एक बहुत बड़ी लिस्ट मैंने आप लोग को प्रोवाइड करी है, 20 आप लोग को जो समझ आती है आप लोग निकालो, फिर उसमें से बैठ के सुकून से 5-7 निकालो टूल्स को यूज करके जो मैंने बताए, फिर उन 5-7 में वाली भेजो, फिर मैं बताता हूँ आपको. चले सही है, ओके चले गाइस आई एम ऑफ देन. मैं पहले अरसलान से एक आखिरी सवाल ले लूं और फिर जी अरसलान. अस्सलाम सर, एक क्वेश्चन ये है कि आपने अपने लेक्चर में बताया था कि आपको उस निश पे काम करना चाहिए जिस पे आपका इंटरेस्ट और पैशन है. सर मैंने फिर उसके बाद एक और लेक्चर बताया था जो प्रोबेबली लास्ट वाला लेक्चर था, मुझे नहीं पता आपने लास्ट लेक्चर लिया. जी सर मैंने लास्ट लेक्चर आपका, हाँ लास्ट लेक्चर में फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर ना समझ आए तो फिर आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जा सकते हो, उस निश पे भी जा सकते हो जिसका आपको पैशन नहीं है. आइडियली पहले कोशिश ये करो कि उसमें जाओ जो आपका इंटरेस्ट है. तो जो लिस्ट तुम लोग को देनी है 7 की, उसमें से 3 तुम लोग अपने इंटरेस्ट वाली दे दो और 4 तुम लोग अपनी जिसमें इंटरेस्ट ना हो वो वाली दे दो. सर वही मैं पूछने वाला था कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं है और कंटेंट भी किसी और राइटर से बाहर से लिखवाना है तो डेफिनेटली वो खतरा का कंटेंट लिख रहे हैं जो एफिलिएट राइटर्स हैं, तो उसमें पैरामीटर्स क्या हमें रखने चाहिए कि इसका कमीशन परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए या उसके कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम के बेस पे हमें जाना चाहिए, कंपेटिटर्स को देख के जाना चाहिए, किस लिहाज से हम उस निश को सिलेक्ट करें जो मतलब इंटरेस्ट में नहीं है लेकिन दूसरी निश जो हमने सेलेक्ट करनी है वो कैसे उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए. देखो तुम लोग ने मैंने बताया हुआ है उसमें, अगर तुम लोग WBS देखो मैंने जो प्रोवाइड करी है स्लाइड, उसमें लिखा हुआ है कि तुमको 2-3 चीजें देखनी है. पहली चीज कि उस कंटेंट के ऊपर तुम्हारे जो फ्रेजेस हैं फ्रेज मैच हैं, अगर वो तुम उसके ऊपर कम से कम 100 या 100 से ज्यादा कंटेंट लिख सकते हो तो वो निश तुम सेलेक्ट कर लो, कर सकते हो. दूसरा तुम्हें गूगल ट्रेंड देखना है, वो सीजनैलिटी प्रोडक्ट्स ना हो ना तुम्हारी निश सीजन के ऊपर बेस्ड हो या ट्रेंड बेस्ड हो. वो एस अगर ट्रेंड बेस्ड है तो तुम साल में सिर्फ 2 महीने कमा रहोगे, बाकी 8-10 महीने तुम फारिग बैठे हुए होगे. ठीक है तो कोशिश करो सीजनैलिटी वाले ना हो. और मैंने उसके ऊपर मैट्रिक्स लिखे हैं कुछ, वो तुम याद रखो मेरी लास्ट लेक्चर में वापस जाओगे तो तुम्हें वो मैट्रिक्स पता चल जाएंगे कि भाई सिलेक्शन के वक्त इन चीजों का खास ख्याल रख लो. ठीक है सर मैं लास्ट लेक्चर दोबारा से गो थ्रू करता हूँ सर. और सर दूसरा ये था कि क्वेश्चन तो आपने एक ही कहा था, दूसरी एक बात है कि आप मैसेजेस किए हुए थे कुछ काइंडली वो चेक कर दीजिए. मैं देख लेता हूँ. कल आपको एक लिस्ट भेजी थी, वो गलती से शायद आपने शीट 1 चेक कर ली थी जिसके ऊपर एक ही लिंक था तो आपने रिजेक्ट कर दिया था, तो वो शीट 2 के अंदर सारा का सारा डाटा था जो तुम विनिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो. जी सर वो वाले मैसेज. ओह मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया तुमने मुझे. वैसे तुमने जो वो पहला प्रोडक्ट दिया था ना, इट कम्स आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, वो सही हो सकता है. मतलब उसको भी तुम कि मैंने उसमें जो शीट करंट हालात के लिहाज से पहले वाले जो एक था. जी सर सर उसमें बेसिक किया था कि वो वाला मुझे उसका डाटा और मिल नहीं रहा था, मैंने अलहदा से दूसरी शीट पे ना मजीद प्रोडक्ट्स 10-12 डाली हुई थी जो अनफॉर्चुनेटली शीट 2 पे चली गई थी. शीट 1 आपको नजर आई, शीट 2 जो है वो वैसे ही नेक्स्ट पे चली गई थी. अच्छा चले वो ठीक है. अच्छा गाइस मैं अब रखना होगा मुझे असल में, ठीक है. और इंशाल्लाह आप लोग से बात होती है मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा. मैं यहाँ पे अब एक फाइनल चीज़ें बता दूँ. प्रायोरिटी लिस्ट आप लोग को कल तक मिल जाएगी, पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो मारुख ने अभी सवाल करा है कि 100 वाली वो जो है आपकी, मैं कैसे डिटरमिन करूँ कि अगर 100 कॉन्टेंट में लिख सकता हूँ. मेरी लास्ट लेक्चर पर वापस जाओ, मैंने स्पेसिफिकली उसमें बताया है जब मैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर बात कर रहा था कि ऊपर नंबर देखो. यार मैं तुम लोग अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. अच्छा बाय द वे ये तुम लोग ये ले लो, सिमिलर वेब का ये लिंक मैं तुम लोग को भेज रहा हूँ चैट पे. सही है, ये बता रहे सिमिलर वेब के अभी करंटली किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, किस चीज का नहीं चल रहा. ठीक है, इसमें बता रहा है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म 38% डाउन हो रही है. सही है, इसमें हेल्थ सेक्टर में जो है ना क्या चल रहा है, न्यूज सेक्टर में क्या ऊपर हो रहा है क्या नीचे हो रहा है, हर चीज हर सेक्टर कितना अफेक्ट हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस, इसके स्टेटिस्टिक्स सारे यहाँ पे. ठीक है, आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू गाइस. इसको थोड़ा देख के तुम लोग अपना चीजों के ऊपर भी शायद माइंड बना सको. ठीक है, अच्छा
ओके सो मैं तुम लोग को वो दिखा रहा था, जल्दी से दिखा देता हूँ. ये देखो, ये तुम्हें डिटरमाइन करके बताएगा अपने मेन कीवर्ड के ऊपर कि तुम लोग कितने कीवर्ड आइडियाज जनरेट हुए हैं, और इनमें से तुम फिर फाइनली सुकून से बैठ के अपने कीवर्ड्स को देखो और देखो क्या उसमें से तुम लोग 100 निकाल सकते हो. वैसे तो इसको देख के कोई भी बता सकता है कि हाँ मैं 100 कीवर्ड्स निकाल सकता हूँ. तो दैट्स हाउ इट इज. सही है, चलो मैं अब चलता हूँ. तुम लोग अपना ख्याल रखना इंशाल्लाह, और अब इसके ऊपर तेजी से काम करते हैं. आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ. चले सही है, अपना ख्याल रखना. ओके सब लोग, अल्लाह हाफिज़.